अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये इसकी आवाज चलना शुरू नहीं हुई। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, लास्ट क्लास में दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ी थी और उन इम्पोर्टेंट चीजों में से एक चीज थी हमारे पास मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद आ रहा है? अच्छा सर, मुझे रिकॉल करवाओगे जरा मैनेजमेंट की क्या पांच रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? सर तीन है, पांच नहीं है, तीन है। कौन कौन सी? नंबर वन सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उससे बनाने एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है जी। नंबर टू, उससे इंटरनल कंट्रोल सेटअप करना है, एस्टेब्लिश करना है इस चीज के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर्स जा रही है वो बिल्कुल सही जा सके। तीसरी चीज सर, तीसरी चीज उससे ये करना है कि ऑडिटर को सारा एक्सेस देना है सारे डॉक्यूमेंट्स पे, लोगों पे और लोकेशंस के ऊपर, ठीक है जी। आवाज नहीं आ रही है भाई? मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, यहाँ मेरे पास जो वॉइस का मीटर है ना वो बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा चलो, खैर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, फिर हमने ये पढ़ा सर, हमारे पास ऑडिटर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो सर, ऑडिटर ने रीजनेबल अश्योरेंस देना है। व्हाट इज मेंट बाय रीजनेबल अश्योरेंस? अश्योरेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस देना, शेयर होल्डर्स को ये बताना कि भाई मैंने चीजें देख ली हैं, मामलात सही हैं। क्या एब्सोल्यूट अश्योरेंस देगा ऑडिटर? नहीं सर, एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऑडिटर के अच्छे भी नहीं दे सकते। फिर क्या होगा सर? जी, रीजनेबल अश्योरेंस देगा। रीजनेबल, 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 ऐसा। रीजनेबल का मतलब हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है जी, हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट। अच्छा जी, आज हमने ना एक ऐसी डिस्कशन करनी है जो एग्जाम में कई दफा पूछी जा चुकी है और लोगों को ये चीजें पता भी होती हैं, याद भी होती हैं, लेकिन वो उस पर लिख नहीं पाते तरीके से, ठीक है जी। मैं एक एक के ऊपर कई सारी एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपके भेजे में चीजें बिल्कुल सुकून से, तसल्ली से बैठ जाए। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ सर, मैं एक कंपनी के ऑडिट पे जाता हूँ, वहां की मैनेजमेंट मुझसे ये कहती है कि जी हमें चाहिए एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या चाहिए? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। मैं हूं ऑडिटर, मैं उनको क्या बताऊं, क्या ऐसी बातें बोलूं जिस पे उनको ये यकीन हो जाए कि यार एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिल सकती। यानी ऑडिट की क्या लिमिटेशंस हैं जो ऑडिटर को रोकती हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस पे जाने पे? अभी आज हमने पढ़नी है सात, ठीक है जी, सात इनहेरेंट लिमिटेशंस हमने पढ़नी है, ठीक है जी। चार इनहेरेंट लिमिटेशंस, पांच ऐसी हैं जो हमारे स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई हैं, बाकी दो तीन ऐसी हैं जो ओवर द पीरियड लोगों ने सोच सोच के डेवलप कर ली, वो स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है जी, लेकिन है वो इनहेरेंट लिमिटेशंस, वो भी है। सबसे पहली चीज सर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेट एंड जजमेंट। मेरे बच्चों अच्छे तरीके से एक चीज नोट करना। देखो, हम सब ने FAR 1 पढ़ा हुआ है और हम सबको ये बात पता है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक प्लांट खरीदा जिसकी कॉस्ट हो से 1 लाख रुपए, कितने? 1 लाख, ये मैंने खरीद लिया प्लांट, ऐसे ही है सर। इसमें मैंने पे की इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या पे की? इंस्टॉलेशन कॉस्ट मैंने पे की से 17,000 रुपए की, या से 18,000 रुपए की मैंने इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की। इसके बाद जब ये प्लांट खरीद लिया, मैंने इंस्टॉल कर लिया जमीन में, तो मुझे ये पता चला कि जी जो इसकी लाइफ है, जो इसकी लाइफ है, हमारा अंदाजा है कि वो 5 साल है। 5 साल बाद इस इंस्टॉल्ड एसेट को हम क्या करेंगे? उखाड़ेंगे, निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी पे करना पड़ेगी, ऐसा। अच्छा, डिसमेंटलिंग लाइबिलिटी, हमें ये बताया गया कि हमारा अंदाजा है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमारे अंदाजे के हिसाब से 32,210 रुपए होगी, लेकिन कब? 5 साल के बाद। कब? 5 साल के बाद, ऐसा। मैंने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, 18,000 रुपए मैंने सर उसको जमीन में गाड़ने के दे दिए इंस्टॉल करने के, और मुझे पता चला कि अब आपने चूंकि उसको जमीन में गाड़ दिया है, 5 साल बाद जब आप इसको उखाड़ेंगे जमीन खराब होगी, आपको उसको सही करके देना पड़ेगा, कितने का खर्चा करना पड़ेगा? 32,210, ऐसा। तो सर हमसे स्टैंडर्ड ये रिक्वायर करता है कि हम क्या करें, ये 5 साल आगे की जो लायबिलिटी है इसकी हम क्या निकालें? प्रेजेंट वैल्यू। तो सर हमारा अंदाजा है कि अगर आज हमारी कंपनी मार्केट में लोन लेने जाए, क्या करने जाए? कौन सी कंपनी? हमारी कंपनी मार्केट में लोन लेने जाए तो उसको 10% पे लोन मिलेगा। कितने पे? यानी कंपनी का बोरिंग रेट है ये। अच्छा सर, मैं इसकी पावर ले रहा हूं कितनी? 5। बताओ क्या आ रही है इसकी प्रेजेंट वैल्यू? 20,000। पक्का? ये 20,000 में क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट यहां ऐड कर दूंगा। कितने? 20,000। बताओ मेरे पास एसेट कितने का हो गया? 1 लाख
38,000, फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक खरीदा प्लांट 1,00,000 रुपए का, उस पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की, क्या इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लांट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, जबरदस्त सर। फिर उसके बाद हमने क्या किया सर, उसको जब इंस्टॉल कर लिया तो हमें पता चला कि अब उसको अनइंस्टॉल भी करना पड़ेगा, जब अनइंस्टॉल करना पड़ेगा हमें 32,000 का खर्चा पे करना है 5 साल बाद, ठीक है जी। तो हमने क्या निकाल ली उसकी प्रेजेंट वैल्यू, वो भी हमने अपने एसेट की कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट कर लिया। क्यों क्यों? देखो सर, स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि एसेट के इंस्टॉल करने की वजह से जो खर्चा आ रहा है वो एसेट की कॉस्ट में डालना है, तो भाई इंस्टॉल करने की वजह से तो एक ही खर्चा आ रहा है। नहीं सर, एक नहीं आ रहा, इंस्टॉल करने की वजह से ही एक और खर्चा भी आ रहा है, वो कब पे करना है आपने, बाद में पे करना है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हमने स्मैड कर दी। अब बताओ हमारा एसेट कितने का आ गया, 1,38,000 रुपए का। सर मैंने पहले साल के एंड पे इसको डेप्रिशिएट किया, अज्यूमिंग के इसकी रेजिडुअल वैल्यू, अज्यूमिंग के इसकी रेजिडुअल वैल्यू 28,000 है। बताओ इसका 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 डेप्रिसिएशन निकाल के दे सकते हो, अज्यूमिंग की इसकी वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू 28,000 है, मुझे बताओ सर इसका डेप्रिसिएशन निकाल के दे सकते हो कैसे सर? भाई पहले साल का डेप्रिसिएशन हम निकालने जा रहे हैं, 1,38,000 रुपए का एसेट माइनस 28,000 की रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 साल की लाइफ कितनी, 22,000। सर मुझे बताओ मैं पहले साल का डेप्रिसिएशन 22,000 चार्ज करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, करूंगा चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, इस एक डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में आपने कितने अंदाजे लगाए, आपको पता है? मैं आपको गिनवाता हूं आपने कितने अंदाजे लगाए। नहीं नहीं, मैं इसको ना इसको हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहला अंदाजा, क्या कॉस्ट अंदाजा लगाया हमने? नहीं सर, कॉस्ट हमने पैसे पे किए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट? नहीं सर, अंदाजा नहीं लगाया, तो पे किए हमने। हमने सबसे पहले अंदाजा लगाया किस चीज का, कि हमें 5 साल बाद 32,000 का खर्चा करना पड़ सकता है, अंदाजा। दूसरा अंदाजा, इस एसेट की लाइफ 5 साल है, अंदाजा, ठीक है जी। तीसरा अंदाजा, रेजिडुअल वैल्यू अंदाजा। चौथा अंदाजा सर, अंदाजा ये कि हमें लगता है कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट स्ट्रेट लाइन पे मिलेंगे। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो शुरू के सालों में बहुत बेनिफिट देते हैं, बाद के सालों में हमें लग रहा है कि नहीं ये स्ट्रेट लाइन पे बेनिफिट देगा, ये भी क्या है, अंदाजा। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे अंदाजे लगाने के बाद तुमने एक फिगर कैलकुलेट की किसकी, डेप्रिसिएशन की, क्या इनमें से कोई अंदाजा चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है सर, मे बी ये मशीन 4 साल बाद खराब हो जाए, मे बी हमें एंड पे जाके 32 की जगह ज्यादा पैसे देने पड़े, मे बी कम देने पड़े, ठीक है जी। मे बी इस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू एंड में कुछ डिफरेंट निकले, मे बी इस एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट शुरू में ज्यादा हो बाद में कम हो। इतने अंदाजों के बाद आपने क्या निकाला? अब मुझे बताओ, आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हो? आप कह सकते हो कि 22,000 रुपए दुनिया इधर की उधर हो जाए, एसेट इतने का ही घिसा? नहीं, इसका मतलब है सर जब मैं ऑडिट करने जाता हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी फिगर्स ऐसी होती हैं जो मल्टीपल एस्टिमेट्स और जजमेंट्स के बाद आ रही होती हैं, तो सर मैं तो उस पर एब्सोल्यूट अश्योरेंस कभी दे ही नहीं सकता, अंदाजे ऐसा। अब याद रखना हमने पहली लिमिटेशन क्या हमारी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, ऐसा। सर और कोई एग्जाम्पल है जजमेंट की जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए यूज करते हैं? वेरी गुड सर, बैड डेट्स की आप अंदाजा लगाते हो इतने इतने अमाउंट जो है वो बैड हो जाएगा, अक्सर वो बेशतर ऐसे निकलता है कि उससे ज्यादा बैड हो जाता है या उससे कम बैड होता है। और सर एनआरवी लॉस, वेरी गुड सर, हमें लगता है कि आगे हम इन्वेंट्री को बेचेंगे। और सर इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस, बैड डेट्स, एनआरवी लॉसेज, सर डेप्रिसिएशन, इतने सारे एस्टिमेट्स तुम्हारी बैलेंस शीट पे मौजूद है, पीएनएल में मौजूद है, और तुम बात करते हो एब्सोल्यूट अश्योरेंस की, इम्पॉसिबल, ऐसा है जी मौलाना साहब? एस्टिमेट एस्टिमेट अंदाजा हम लगाते हैं, मार्केट में क्या हिसाब किताब चल रहा है? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने सारे बिलियंस ऑफ एस्टिमेट्स और हम बात क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस दूंगा इंशाल्लाह ताला, टेंशन ही नहीं लो, बताऊंगा भाई जो है वो है, नहीं जो है वो है नहीं, अंदाजा है सर ऐसा। तो बताओ एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहुत सारी फिगर्स में क्या इन्वॉल्व है, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है, ऐसा। अच्छा जी, कॉपी कर लें सर इसको पहले। लिख लेना इधर इंपेयरमेंट, बेड डेट्स, ठीक है जी, एनआरवी लॉसेस, ताकि तुम्हें याद रहे यहां यहां पे जो है वो एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हुए हैं। बस यही पॉइंट है बेटा शर्जील, पॉइंट ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेट्स। मुझे बताओ अगर इसमें लिखने को आए तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर्स हैं,
ठीक है जी, वो कैलकुलेट हुए हुए आफ्टर मैनी एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, ठीक है जी, तो हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, ठीक है जी। हाँ अमीना बिल्कुल सही कह रही हो, आईएस 1037 एक बहुत बड़ा रीजन है। वारंटी का प्रोविजन याद है किसी को क्या होता है? है वारंटी क्या होती है? जब आप सेल्स करते हो तो स्टैंडर्ड आपको कहता है सोचो कि कितनी गुड्स ऐसी हैं जो वापस आएंगी और आपको वारंटी के पैसे देने पड़ेंगे, उसका प्रोविजन बुक करो, तो हम क्या लगाते हैं? अंदाजा, ठीक है जी, वैसे ग्रेचुटी अंदाजा, प्रोविडेंट फंड अंदाजा, तो 1000 फिगर अंदाजे पे निकल रही है और हम क्या कह रहे हैं? हम आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस देंगे, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। रिफंड लायबिलिटी इज वेरी गुड बेटा, ठीक है जी, बच्चे जाग रहे हैं। अच्छा जिनको ये रिफंड लायबिलिटी और इस तरह की चीजें याद नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ लोग एफ ए आर 2 अभी दे रहे होंगे, साथ में दे रहे होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, सेशन के एंड तक सब समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो तुम लोगों को ये समझ आ गया डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स तो पढ़ा ही होगा, हाँ आईए के अंदर पढ़ते हैं, एनआरवी लॉसेज भी आईए में पढ़ते हैं, वो भी याद होगा, बस बाकी जहन पे जोर ना डालो, ठीक है जी। मेरे बच्चों बड़े मांगे दोस्त, कर लिया? देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एक हैंडआउट की फॉर्म में तुम्हें दे दूं ना तो तुम वो साइड पे रखोगे और इग्नोर कर दोगे, ठीक है, फिर एंड में आके जब तुम उठाओगे चीजें तो तुम सिर्फ हैंडआउट से चीजें पढ़ रहे होगे, चीजें याद नहीं होंगी, अपनी लिखी हुई चीजें तुम्हें याद रहेंगी, ये याद रखना। ये मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब क्लास में टीचर से क्लास लेने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उससे जो चीजें सुन रहे हो वो लिखो, अदरवाइज नोट्स तो आपके पास हमेशा मौजूद है। चले जी आ जाए सेकेंड पॉइंट पे, इस पर हमने लास्ट क्लास में बहस भी कर ली थी कि ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन सैंपल बेसिस, सर वी कैनॉट वाउच 100% ट्रांजेक्शन, वी कैनॉट वेरीफाई 100% ट्रांजेक्शन, वी कैनॉट एग्जामिन 100% ट्रांजेक्शन, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर एक ब्रोकरेज हाउस में तुम जाओगे ना तो ब्रोकरेज हाउस की इनकम क्या होती है, एनी गैसेस? जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर बैठा हुआ है, कमीशन, वेरी गुड, तो ये कमीशन कैसे कमाते हैं? आप जैसे लोग जाते हैं उनके पास, पैसे लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, हर खरीद और हर बेच के ऊपर उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। मैं जो है वो अक्सर ब्रोकरेज हाउस के ऑडिट पे जाता था, वहां ट्रांजेक्शन होती थी मिलियंस में, कितने में? मिलियंस में, और हर एक ट्रांजेक्शन पे, हर एक ट्रांजेक्शन पे 2000 1500 2000 1500 2000 1500, तो सर क्या मेरे लिए मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन चार लोगों के साथ वेरीफाई करना पॉसिबल है? नहीं। तो ऐसे केस में ऑर्डर क्या करता है वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है जी। सैंपलिंग का पूरा चैप्टर है हमारे पास, ठीक है जी, कि सैंपलिंग के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो और फिर क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो कि पूरी पॉपुलेशन ऐसी होगी, पूरी ऐसा है ना। अब आप मिसाल के तौर पर किसी लड़की के अब्बा से मिलने जा रहे हो, लड़की के अब्बा ने आप में एक आदत देख ली, उनको बुरी लग गई, तो वो क्या क्या सोचते हैं? ये है ही ऐसा नशा ही, ऐसा होता ना, एक आदत उसको पसंद आ गई, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसके अंदर वो आदत है ही नहीं, बस दिखा दी आपने गलती, उसके अब्बा को पसंद आ गया ऐसा, और फिर गलती हो गई उनके अब्बा से, हैं? अब्बा मान नहीं रहे, ये भी एक ड्रामा है। अच्छा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है अब्बा मान जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अब्बा क्या अम्मा क्या सब मान जाते। अच्छा जी सर, टाइम एंड कॉस्ट तीसरी चीज, यार आई डोंट बिलीव इन इस्तिखारा फॉर दिस पर्पस, इस्तिखारा मेरे ख्याल में इस पर्पस के लिए होना चाहिए कि अल्लाह ताला से आप खैर के लिए कोई काम कर रहे हैं कि यार ये काम करूं या ना करूं, एक हलाल काम है उसमें किस चीज का इस्तिखारा है? इस्तिखारा होता है मजहब पे डाल के भागने का नाम, ना आ गया तो बस, ना भी आ गया और पता चला कि बंदा जो है ना वो टीचिंग करता है और 20 लाख रुपए महीने के कमाता है तो मौलवी चेंज कर देंगे हमें। अच्छा जी चलो बोर्ड में देखो दोस्त, यहां देख लो मेरे प्यारे बच्चों, सर सुने मुझे बताएं कंपनी का ईयर एंड क्या होता है आमतौर पे 31 दिसंबर। अच्छा हमें हमारा लॉ ये कहता है कि तुमने ऑडिट कंप्लीट करना है, ऑडिटर ऑडिट कंप्लीट करना है, मैनेजमेंट को कहता है तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने ऑडिट के बाद, और तुमने फिर एजीएम करवानी है,
ये सारे काम कराने हैं तुमने, लंबे चौड़े काम कराने, सिर्फ चार महीने में, कितने में? चार महीने में आपने सारे काम कराने, यानी हमने फारिग हो जाने कब तक, 31 अप्रैल या 30 अप्रैल तक, सॉरी ऐसा 31 होता ही नहीं है, 30 अप्रैल तक हमने फारिग हो जाना है। सुनना जरा दोस्त, अच्छे तरीके से सुनना सर, 30 अप्रैल पे हमने रेगुलेटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे देने, किसको, यानी आपने 30 अप्रैल को करना क्या है पता है, 30 अप्रैल तक आपने SECP के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल कर देना, डन। आपने 30 अप्रैल तक अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यूली अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स आपने जमा करा देने, किसके पास, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स आपने जमा कराने, कब तक, 30 अप्रैल तक, ये पूरा टाइम है, ठीक है जी। अब और सुनना दोस्त, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कब होते हैं, ये अप्रूव होते हैं इस तरह, गौर से सुनो, ये अप्रूव होते हैं मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं सर, 31 दिसंबर से ऑडिट शुरू हो जाता है, ठीक है जी, 31 दिसंबर से एक महीना पहले से ऑडिट शुरू हो जाता है, ठीक है जी। करते करते हम आगे आते हैं, एक टाइम आता है मैं सीख बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं, ये हम फाइल करते हैं AGM के बाद, इसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, ठीक है जी, एनुअल जनरल मीटिंग के 7-8 दिन के अंदर हम ये क्या कर देते हैं। अच्छा अगर मैं एक हफ्ता पीछे चला जाऊं तो क्या क्या डेट आएगी सर, मेरे पास डेट आ जाएगी से 21 अप्रैल, ऐसा कर लूं। अच्छा AGM जो है वो से 21 अप्रैल को हुई है, 30 अप्रैल को हमने अकाउंट्स किसको दे दिए, SECP को, AGM से 21 दिन पहले, AGM से 21 दिन पहले यानी से 1 अप्रैल को AGM का नोटिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दोनों चीजें, नोटिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 21 दिन पहले जाते हैं शेयर होल्डर्स के पास। तो मुझे बताओ हमने ऑडिट कब कंप्लीट करना है, और पीछे हमारा तो 30 अप्रैल भी नहीं रहा, फिर 1 अप्रैल। अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो शेयर होल्डर्स के पास पहुंच रहे हैं वो किस दिन पहुंच रहे हैं, 1 अप्रैल को, इससे पहले प्रिंट भी हुए होंगे, ऐसा। और प्रिंट कब होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कौन करता है, बोर्ड, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है, उसके बाद वो जाते हैं किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, फिर कहां जमा होते हैं, SECP के पास, फिर उर्दू जुबान में, पहले कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड अप्रूव करेगा, बोर्ड अप्रूव करने के बाद किसको देगा, प्रिंटिंग पे देगा, प्रिंटिंग होने के बाद कहां जाएंगे, शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे, शेयर होल्डर से अप्रूव होने के बाद कहां जाएंगे, SECP के पास जाएंगे। तो मुझे बताओ सर, 1 अप्रैल को तो ये प्रिंट हुए, प्रिंटिंग में लगे होंगे 7 दिन, ठीक है जी, तो इसका मतलब है सर हमारे पास कोई 23 मार्च को, कोई 23 मार्च को क्या हुआ होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुए होंगे किसकी तरफ से, बाय बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलते हैं ऑडिट के बाद, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से 7 दिन पहले आपको नोटिस देना है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कंप्लीट हो जाना चाहिए कब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से 7 दिन पहले। अच्छा 7 दिन पहले मैं और आगे जाऊं तो ये मेरे पास कौन सा था, 23 ना, इसका मतलब है सर 17-18 मार्च तक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाने चाहिए। अब बताओ यार सर, 31 दिसंबर से लेकर 17 मार्च तक का टोटल टाइम है मेरे पास, मैंने ऑडिट करना है इस पूरे टेन्योर में, किस टेन्योर में, इस टेन्योर में मैंने करना है ऑडिट, डेढ़ नहीं है ये, ढाई महीने, जनवरी का पूरा महीना, फेब का पूरा महीना और मार्च का आधा महीना, यहां आपने करना है ऑडिट। ऑडिट के बाद क्या करना है, बोर्ड को दे देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड 7 दिन में उसको रिव्यू करेगा, अप्रूव कर लेगा, फिर बोर्ड प्रिंटिंग पे दे देगा, प्रिंट होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोटिस के साथ किसके पास जाएंगे, शेयर होल्डर्स उनको AGM में आके अप्रूव करेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, SECP के पास चले जाएंगे। तो मुझे बताओ मेरे पास इफेक्टिवली 2.5 महीने का टाइम ऑडिट करने का, एक ऐसी कंपनी जो पूरे साल हजारों एम्प्लॉयज के साथ काम कर रही है, मैं थोड़े से लोगों के साथ आऊंगा और सिर्फ 2.5 महीने में उसका ऑडिट कर दूंगा, तो क्या मुझसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मैं 100% चीजें देख सकूं, हैं, क्या मुझसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकूं, नहीं भाई, तुम लोगों ने हजारों एम्प्लॉयज के साथ, HBL ने 1700 ब्रांचेस के साथ, ठीक है जी, 20,000 एम्प्लॉयज के साथ पूरा साल काम किया है, मैं 40 लोगों की टीम लेके आऊंगा, ठीक है जी, और 2.5 महीने में उसका ऑडिट कंप्लीट करूंगा, कितने महीने में, तो क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि मैं उसकी एक एक चीज वेरीफाई कर सकूं, तो इसका मतलब है सर हमारे पास एक लिमिटेशन किसकी है, सर हमारे पास टाइम की है जो हम पे लीगल
बाउंड्रीज ने इम्पोज की, हम पे लॉ ने इम्पोज किया है कि आपने ऑडिट कंप्लीट करना है ऑलमोस्ट ढाई महीने में, क्योंकि आगे की लीगल फॉर्मेलिटीज इतना सारा टाइम खा जाएंगी कि मेरे पास सिर्फ कितने महीने बचते हैं, ढाई महीने। अब बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं, एस्टिमेट एक ऐसा रीजन है जो आपको रोकता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस से, ऐसा है? नंबर टू, सैंपल बेसिस पे ऑडिट करना एक ऐसा रीजन है जो आपको रोकता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस से? नंबर थ्री, आपकी आपके जो लीगल जो है वो स्टैट्यूट्स हैं उसने जो आपको टाइम दिया हुआ ऑडिट करने का, वो भी एक लिमिटेशन है जो आपको रोकता है किससे? एब्सोल्यूट अश्योरेंस देने से, ऐसा? ऐसा है? मैं फिर रिपीट कर दूं, ये पूरा प्रोसेस तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। आगे जब तुम एक स्टैंडर्ड पढ़ोगे सब्सिक्वेंट इवेंट का, ठीक है जी, तो वो तुम्हें ये टाइमलाइन याद रहेगी। मैं बार बार पूछूंगा, बताओ एजीएम पहले हुई थी या बोर्ड ने पहले अप्रूव किया था? बताओ प्रिंटिंग एजीएम से पहले हुई थी या बाद में हुई थी? बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से पहले प्रिंटिंग हुई थी या बाद में हुई थी? प्रिंटिंग कब होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बाद, एजीएम से पहले, क्योंकि आप शेयर होल्डर्स को भिजवाते हो। ये सर बोर्ड खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हुआ तो ऑडिटर रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को करेगा, ठीक है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम रिपोर्ट गलत दे देंगे ना, हम कह देंगे जी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं। हम अपनी रिपोर्ट में चेंजेस कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं कर सकते। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीज चेंज कर सकता है? नहीं। चेंजेस कौन करेगी? मैनेजमेंट करेगी। हम उसको रिकमेंड करेंगे गलत किया आपने अकाउंट, वो नहीं मानेगी, हम क्या करेंगे? अपनी रिपोर्ट खराब कर देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कुछ नहीं कर सकते जी। आ रही है ना नीचे, नीचे आ रही है, दो मिनट उसके जगह रोकी थी मैंने, सर्कल ही टाइम को किया सर, ऐसा बड़े हम आगे। अच्छा जी, अब ना थोड़े से मेच्योर हो जाओ, थोड़ी सी चीजें पढ़ना शुरू करो और थोड़े से ना डिस्कशन में इन्वॉल्व रहो। मैंने जब आई कैप में जो अपनी 10 मिनट की स्पीच दी, मैंने उसमें सात पॉइंट्स, सात चीजों के ऊपर बात की। इवन जो करंट प्रेसिडेंट है उसको भी इतनी चीजें को आइडिया नहीं था। मैंने सात चीजों पर बात की, वो सात चीजें मैंने पढ़ी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, हालात देख के, डिस्कशन सुन के, अखबार पढ़ के, न्यूज देख के। तो मैं तुम्हें फिर बता दूं, देखो नॉलेज अक्वायर करना तुम्हारा काम है, ठीक है जी? तुम्हें कभी भी तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी शक्ल देख के असेस नहीं किया जाएगा, तुम्हारी नॉलेज देख के असेस किया जाएगा तुम कितने गहरे इंसान। सुनो जरा दोस्त, मैं पहले एक तुम्हें चीज पढ़ाऊंगा, फिर उसके ऊपर पूरा किस्सा सुनाऊंगा, ठीक है? अब आओ जरा दोस्त, अगर ये कॉपी कर लिया हो तो, नहीं किया कर लिया जी। रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाती, ऑब्वियसली मैनेजमेंट बनाती जी, बराबर बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, फिर उसका ऑडिट होगा, अगर उसमें कोई करेक्शन होगी साथ साथ चल रही होगी करेक्शन। 17 मार्च तक लाजमी बन जाने चाहिए हर एक चीज, नहीं है तो फिर मसला आएगा, ठीक है ना? अच्छा, हम लोग अपना ऑडिट वैसे प्रैक्टिकली कंप्लीट कर लेते हैं डेढ़ महीने में, डेढ़ पौने दो महीने में हम ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर वो एक डिस्कशन का प्रोसेस होता है, एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो अप्रूव करवानी होती हैं, उसमें लगता है टाइम, लेकिन डेढ़ पौने दो महीने में ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, कुछ ऑडिट 20-22 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। बहुत फायर फाइटिंग होती है बेटा। अभी तुम लोग फर्म में जाओगे तुम्हें आइडिया होगा कि एक अजीब जो है ना वो कैफियत होती है। छोटे क्लाइंट्स पे जो जाएंगे वो तो बचे रहेंगे, बड़ी फर्म्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? यही है ना कि आपकी अपनी सोशल लाइफ नहीं होती। मतलब मैं अगर अपनी आर्टिकल्स देखूं तो आखिरी का मैंने 2.5 साल हार्डली मैंने सूरज की रोशनी देखी हो वापस घर जाते हुए, ठीक है ना? मैं फर्म पहुंचता था 11 बजे 10:30 बजे और रात 2:30 बजे 3 बजे हम फर्म से निकलते थे, ठीक है जी? ये हमारा रूटीन होता था। अभी भी आप देखो जो मेरे साथ का बच्चा था अदनान, वो बेचारा पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से एक क्लाइंट सर्ड फार्मा हो, बेचारा रात 3 बजे घर जा रहा है, अक्सर यहाँ के सो जाता हो, यहाँ डेडी में आके सो जाता है, यहाँ शरा फैसल भी सर्ड का हुआ हेड ऑफिस, ठीक है जी? बड़े हम दोस्त, अगर जवाब दे रहा हूँ उसका, ऑडिट जून में नहीं होता। जून में किस कंपनी का ऑडिट होता होगा जिसका ईयर एंड जून है, ठीक है? जिसका ईयर एंड दिसंबर है, दो दिसंबर में करवाते होंगे। सर क्या साल में 2 दफा ऑडिट होता है? हाँ, हम एक चीज अभी आगे पढ़ेंगे, एक कहलाता है इंटरिम ऑडिट, आगे आ रहा है। अच्छा देखो, ये मेरे सामने ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर तुम्हें नजर आ रहा हो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये बैलेंस शीट है, ये अभी बैंक की बैलेंस शीट है। अभी बैंक की बैलेंस शीट में अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकूं और तुम्हें एक चीज दिखा सकूं, गौर से देखना दोस्त, ये भी बैंक की बैलेंस शीट है 2019 की आप, और ये फिगर्स ना थाउजेंड्स में लिखे, आपको पता है ये नीचे जो फुटिंग आ रही है ना बैलेंस शीट की, ये है 3 ट्रिलियन रुपीज, 3 ट्रिलियन रुपीज की इसकी फुटिंग है बैलेंस शीट, ठीक है जी? अब सोचो, खरबों रुपए का बिजनेस है, ठीक है?
ऑडिट फी देखो, ये रही ऑडिट फी, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है जी। ये भी 000 में 281 मिलियन, ठीक है जी, 281 मिलियन, 281 मिलियन कितने होते हैं, 28 करोड़ रुपए, ठीक है जी। इसमें ऑडिटर, हर किस्म के ऑडिटर के रेम्यूनरेशन शामिल है, जो उन्होंने एक्सपर्ट इन्वॉल्व किए, जो उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को पैसे दिए, जो अच्छा एक बैंक के दो ऑडिटर्स होते हैं, आमतौर पर बड़े बैंक का सिंगल ऑर्डर नहीं होता, दो ऑडिटर्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं सर, 28 करोड़ रुपए में 10 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए एक बड़ी फर्म को मिलते हैं, बाकी सर इनको एक्सपर्ट्स को भी देने होते हैं बाकी चीज। अब मुझे बताओ 6 करोड़ 7 करोड़ में एक फर्म को मिल रहे हैं और उसने जाके ऑडिट करना है कितने का, 3 ट्रिलियन रुपीज का। खुद मुझे एक बात बताओ, 6-7 करोड़ में तुमने 50-60 लोगों की टीम भेजनी है, पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, ठीक है जी, हेड ऑफिस पे भी तुमने बंदे बिठाने, मुझे बताओ खर्चा हम कितना कर सकते हैं। एक ट्रेनी के ऊपर खर्चा कितना होता है फर्म का, उसको स्टाइपेंड भी देनी है, उसके लिए लैपटॉप भी लेना है, उसके लिए जो है वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर भी लेना है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने 60-70 लोग भेज दिए, वो पूरे बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, यार हमारी भी एक कॉस्ट है ना, प्रॉफिट भी तो कमाना है। अब हमने क्या किया, कोई 650 बंदे भेज दिया एचबीएल के ऑडिट पे कि हम क्वालिटी ऑडिट करेंगे, फिर क्वालिटी आ जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, फिर आप कमा नहीं पाओ, ठीक है जी। तो सर हमारी लिमिटेशन क्या है, हम एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा फी चार्ज नहीं कर सकते, और अगर हमने एक सर्टन अमाउंट फी में कुछ कमाना भी है तो एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। तो अगर खर्चा नहीं कर सकते तो फिर हमसे एब्सोल्यूट अश्योरेंस की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, हमसे एब्सोल्यूट अश्योरेंस की तवक्को नहीं रखनी चाहिए ऐसा। अब सर मैं आपको बताऊंगा एक आर्टिकल मैं आपसे शेयर करूंगा, एससीसीपी के एक डायरेक्टर ने एक आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान में जो ऑडिट फी है वो पूरे रीजन में किस लेवल पे। तो हमें पता चला कि हमारी ऑडिट फी बांग्लादेश से भी कम है, तो बांग्लादेश में चार्ज होती है ना उससे भी कम है, श्रीलंका में जो ऑडिट फी चार्ज होती है उससे भी कम है, ठीक है जी। और सर हबीब बैंक की एक ब्रांच है न्यूयॉर्क में, उसकी जितनी ऑडिट फी है उसका 10वां हिस्सा हबीब बैंक के हेड ऑफिस की ऑडिट फी है, समझ रहे हो। यानी वहां अगर सर हबीब बैंक का जो न्यूयॉर्क ब्रांच थी उस पे अगर 100 रुपए ऑडिट फी है तो बाकी के पूरे बैंक की ऑडिट फी 10 रुपए। ये क्यों, क्योंकि सर यूएसए में ऑडिट फी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, तो वहां आपको क्वालिटी ज्यादा नजर आती है। यहाँ चूंकि लोग ऑडिटर को समझते हैं कि यार ये करेगा क्या आके, एक बंदा कहता है मेरे पास 20 बकरियां हैं, ऑडिटर आके मुझे क्या बताएगा, यही बताएगा ना कि 20 हैं तो मैं क्यों उसको पैसे दूं। ये है थिंकिंग जो बेड़ा गर्क कर रही है। खैर सर इस पर कभी और डिस्कस करेंगे हम। ये मैंने भी आईकैप पे भी इशू उठाया था कि हमें अपने रेगुलेटर को पुश करना चाहिए कि वो हमें हेल्प करे एक मिनिमम ऑडिट फी प्रिस्क्राइब करने में, ठीक है जी। तो पता ही नहीं है लोगों को, मैंने आर्टिकल्स निकाल निकाल के दिखाए, ये देख लो ये देख लो। खैर छोटी फर्म्स हैं उनको बिजनेस करने का, अब छोटी फर्म्स क्या करती हैं। AFF ने, फर्गसन ने एक जगह पे कोटेशन दी कि 3 लाख रुपए लूंगा ऑडिट का, छोटी फर्म आके कहती है हम 25,000 में कर देंगे, हैं तो फिर बताओ क्या होगा, 25,000 तो मसला यही है ना। अच्छा जी सर करेंगे इस पर डिस्कशन, जिंदगी पड़ी। अब बताओ जी टाइम एंड कॉस्ट, टाइम हमें रोक रहा है क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि इतने टाइम में ऑडिट करनी है आपने, कॉस्ट क्योंकि हमारा रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है, ऑडिट फी इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब अगर मैं 4 लिमिटेशन तुमसे पूछूं तो पहली एस्टिमेट्स की इन्वॉल्वमेंट, नंबर 2 सैंपल बेसिस पे ऑडिट हो रहा है, नंबर 3 टाइम नहीं है, और नंबर 4 खर्चा भी एक सर्टन लेवल से ज्यादा हम इनकर नहीं कर सकते, इतने लोग भी ऑडिट पे नहीं भेज सकते ऐसा। पढ़े हम आगे। अच्छा देखो मेरे बच्चों अब ये सुनना जरा दोस्त, ये एग्जांपल, और फिर मैं आपसे जो है वो कुछ सवाल पूछूंगा। सर बाज औकात आप ऑडिट करने जाते हो ना, सारी चीजें आपको कौन बताएगा, हम खुद तो हम पे इल्हाम नहीं होगा ना, हम जाके मैनेजमेंट से पूछेंगे आपकी सेल्स कितनी है, मैनेजमेंट से पूछेंगे जाके आपके अगेंस्ट केसेस कितने हैं, मैनेजमेंट से जाके हम बात करेंगे ऐसा। तो सर मुझे एक बात बताएं, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान किसका ऑडिट करता है, गवर्नमेंट एंटिटीज का, गवर्नमेंट एंटिटीज का, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का ऑडिट करता है, बाकी कंपनीज का ऑडिट नहीं करते हो, ठीक है, बाकी तो प्राइवेट कंपनीज से ऑडिट करवाएंगे। तो सर हम एक कंपनी के पास जा रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आपके अगेंस्ट केसेस कितने हैं, क्यों पूछ रहे हैं, एक कंपनी से ऑडिटर ये क्यों पूछता है आपके अगेंस्ट केसेस कितने। सर क्योंकि उन केसेस के अंदर एक लायबिलिटी छुपी हुई होती है, पेनल्टी छुपी हुई होती है। अगर मैंने सर मिसाल के तौर पर अपने फैक्ट्री से एक कंटेमिनेटेड गंद निकाल के समंदर में डाल दिया और
किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुझे पकड़ लिया और हम चले गए कोर्ट में, वो कह रहे जी इसने मरीन लाइफ को डिस्टर्ब किया है, हमने कहा हमने नहीं किया है, उसने कहा किया है आपने, चल रही है कोर्ट में जंग, अगर कोर्ट का फैसला मेरे अगेंस्ट आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो जो पेनल्टी देनी पड़ेगी उसकी लायबिलिटी बुक करनी है नहीं करनी है, तो ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि कंपनी के अगेंस्ट कितने केसेस चल रहे हैं। अब मैं क्या मैनेजमेंट के पास, मैंने कहा आपके अगेंस्ट कितने केसेस हैं, मैनेजमेंट ने कहा हमारे अगेंस्ट 5 केसेस है, क्या आप वेरीफाई कर सकते हो कि छठा केस नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्या जनाब बहुत मुश्किल है। तो आप अक्सर और बेशतर कंपनी की गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं, ठीक है जी। आगे हम एक चीज पढ़ेंगे कि हम और किस किस तरीके से ये इंश्योर कर सकते हैं कि कंपनी के अगेंस्ट सारे के सारे केसेस क्या हो हमें पता हो, लेकिन सर आपस की बात है, मैनेजमेंट अगर बहुत सारी चीजें आपसे छुपाना चाहे तो वो छुपा भी सकती है, आप उसके अंदर पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। अब सुनना जरा एक छोटी सी चीज, 27 दिसंबर 2007 डेट याद है क्या हुआ था, 27 दिसंबर 2007 बेनजीर भुट्टो का इंतकाल हुआ था, ठीक है जी। शहादत सिर्फ अल्लाह के रस्ते में लड़ने वालों के लिए होती है, बाकियों का इंतकाल होता है, ठीक है जी। तो उनका इंतकाल हुआ था 27 दिसंबर को, 31 दिसंबर इंश्योरेंस कंपनीज का ईयर एंड था, 31 दिसंबर इंश्योरेंस कंपनीज का ईयर एंड था। अब हुआ क्या सर, लोगों की गाड़ियां जल गई, बेड़ा गर्क, तबाही फैल गई सर, 31 दिसंबर ईयर एंड है, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट हो रहा है, सोचो उसका तो दिवालिया निकलने वाला है। अच्छा सर आपको पता है 3 महीने तक लोग आते रहे, 4 महीने तक, कि हमारी गाड़ी भी जली है, हमारा ये नुकसान हुआ है, हमारा ये नुकसान हुआ है, कंपनी को खुद भी नहीं था पता कि हमारा कितना नुकसान हो चुका है। अब बताओ मैनेजमेंट के पास आया, आप 28 फरवरी को ऑडिट करने आए, मैनेजमेंट ने आपको क्या दिया, जो कंप्लेंट्स मैनेजमेंट के पास आई है, जो इंश्योरेंस क्लेम्स आए वही आपको वो दे सकता है, जो अभी तक आई नहीं है वो आपको, इसका मतलब मैनेजमेंट बाज औकात इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दोनों हो सकते हैं, मैनेजमेंट को भी नहीं पता होता कि पीछे क्या चल रहा है, कितना लॉस हो चुका है हमारा, जैसे जैसे पता चलेगा हम बताते रहेंगे आपको, नहीं पता तो हम भी क्या है, मतलब हमारे लिए भी मसला है सर, हम नहीं बता सकते आप। तो मैनेजमेंट सर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मे बी आपको पूरी इंफॉर्मेशन, जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है तो आपने क्या वो कद्दू एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना है, आपने क्या करना है सर, रीजनेबल एश्योरेंस देना है, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कि यार मैनेजमेंट से ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा, मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं एक कंपनी के ऑडिट पे गया, उसकी 3 सब्सिडरीज थी, प्राइवेट कंपनी थी, 3 सब्सिडरीज थी उसकी, एक थी डिसफंक्शनल कंपनी, डिसफंक्शनल समझते हो, उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, तो 2 सब्सिडरीज में बिजनेस हो रहा है, एक में हो ही नहीं रहा बिजनेस, डिसफंक्शनल पड़ी हुई। हुआ क्या सर, हम ऑडिट करते करते ना एक लैपटॉप खुला हुआ था, बैठ गया उस पर, शेड्यूल बनाया, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया, अब मुझे याद ही नहीं है मैंने सेव कहाँ किया, तो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स जाते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में, मैं वहां गया तो वहां माई डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी एक्सेल की फाइलें पड़ी हुई थी उस कंपनी की जो डिसफंक्शनल है। तो हर एक इंसान के अंदर एक सुलेमानी कीड़ा होता है, हमें लगा कि खोल के चेक तो करो है क्या ये, तो मैंने डबल क्लिक किया, खुल गया। अब पता चला जी उसने सेल्स और परचेज की हुई है काफी सारी, देखा ये क्या सीन है, डिसफंक्शनल है तो सेल परचेज कैसे की है। मैंने फौरन से फाइल कॉपी की, यूएसबी में डाली और मैं बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा कोई लॉग वॉग बन गया होगा, क्लाइंट ने वो लॉग देख लिया, पहले तो आके खूब ठीक ठाक जो है ना डंडा किया, पार्टनर के पास जाकर शिकायत कर दी कि भाई आपके लोगों ने जो है ना वो 2 नंबरी की है और अपनी पावर से आगे गए। तो मेरे पार्टनर ने बुलाया मुझे, कहा यार तुम कैसे किसी के जो है वो लैपटॉप में घुस के क्लाइंट का, मैंने कहा सर मेरे तो ये चीज मिली आप देख लें, फिर आपने जो गालियां देनी है दे। उन्होंने चीज देखी, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा संगीन मसला है। अब उसके बाद क्या हुआ, उस कंपनी के ऑडिट से 10 बर्दार हो गए, ठीक है ना, क्योंकि हम पुश तो नहीं कर सकते ना, दो डाटा हमें पता ही ये हो रहा है। उसने कहा नहीं ये फाइल ही गलत है, ठीक है जी। तो हमने कहा बजाय को ओपिनियन देने के क्या करना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो उस स्पेसिफिक कंपनी के ऑडिट से क्या हो गया, विड्रॉ करके, डिसफंक्शनल थी ना, हमने काम नहीं कर रहे ऑडिट। लेकिन मैं आपको बताऊं मैनेजमेंट ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या की हुई थी, छुपाई हुई थी, नहीं दी इन्फॉर्मेशन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हो एक ऐसे केस में जहां मैनेजमेंट ही आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दे रही है, आप ऑडिट ही करोगे उस चीज का जो मैनेजमेंट आपको बताएगी, वो बताई नहीं है पूरी चीजें। तो बाज़ोकात इंटेंशनली, बाज़ोकात अनइंटेंशनली, ठीक है जी। अच्छा जी अब आ गया जरा दोस्त, इस पे लिख दो जनाब, इंटेंशनली और
ठीक है जी। अब बताओ सर हमने अगर लिमिटेशंस पढ़ी है तो कौन कौन सी पढ़ ली है। नंबर वन सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेट्स एंड जजमेंट हमें रोकती है एब्सोल्यूट अश्योरेंस देने से। सर हमारे पास सैंपल बेसिस पे ऑडिट करना, चूंकि हम 100% ऑडिट नहीं कर रहे तो 100% एब्सोल्यूट अश्योरेंस कैसे दे सकते, नहीं दे सकते। फिर नंबर थ्री सर टाइम एंड कॉस्ट, टाइम हमें लीगल बाउंड्रीज की वजह से लिमिट करता है, ठीक है जी। कम टाइम है तो हम सर कम काम देख सकेंगे। कॉस्ट ऐसी चीज है सर जो एक एक लिमिटेड हद तक हम खर्चा कर सकते हैं, और सर अगर उस खर्चे के अंदर काम हो सकता है जितना हो सकता है हम देख लेंगे, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते हम, ठीक है जी। नंबर थ्री मैनेजमेंट में भी आपको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली पूरी इंफॉर्मेशन ना दे तो हम सर ऑडिट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। अब सर आखिरी चीज है फ्रॉड, इस पर हमने थोड़ी सी बहस करनी, थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। तैयार हो? मुझे एक बात बताएं, फ्रॉड आमतौर पे ना बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से किया जाता है, सीधे सीधे फ्रॉड नहीं किया जाता कि चीज चोरी कर ली, पैसे चोरी कर लिया, नहीं। फ्रॉड जब होता है ना उसके लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है मैनेजमेंट। फ्रॉड करेगा कौन? कंपनी का एम्प्लॉय करेगा, मैनेजमेंट करेगी, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, एक एक बंदा है जो कैश आता है आरटीटी में, वो कैश रिसीव करता है, दूसरे बंदे की ड्यूटी है वो उसको गिनेगा, तीसरे बंदे की ड्यूटी है वो उसकी पोस्टिंग करेगा लेजर के। कितने? एक रिसीव करेगा, एक काउंट करेगा, और तीसरा पोस्ट करेगा, चौथा जाके उसको बैंक में जमा कराएगा, ठीक है जी। जिसने रिसीव किया उसने कहा मैंने 5 लाख रिसीव किए, जिसने रिकाउंट किया उसने कहा मैंने 5 लाख रिकाउंट किए, जिसने लेजर में डाले उसने कहा मैंने 5 लाख लेजर में डाले, और जिसने बैंक में जमा कराया उसने क्या कहा मैंने 5 लाख बैंक में जमा कराया। ये चारों अलग अलग हैं। एक ने फी रिसीव की 5 लाख रुपए, दो नंबरी करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा, इधर एक पर्टिकुलर स्टेज पे पकड़ा जाएगा। व्हाट इफ के चारों मिल जाए, फ्रॉड हो सकता है, हैं? चारों मिल जाए क्या होगा? वो कहेंगे आज पैसे ही नहीं है। हम कहेंगे लोग तो खड़े हुए थे अकाउंट्स रूम के बराबर, सर वो रिफंड मांग रहे थे, हमें शाबाश दे, हमने रोक लिया रिफंड, हमने नहीं दिया उनको, भगा दिया उनको। अच्छा हम शाबाश भी दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ सर, फ्रॉड होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू, लोग कोलूजन करते हैं, मिल जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ सर, एक ऑडिटर आके फ्रॉड इसलिए भी नहीं पकड़ पाता कि वो इतने घुमा फिरा के हुआ होता है कि ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स ऑडिट के लगा भी ले तो फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक छोटी सी छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आरडीटी का। मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में इतना टाइम गुजार के आ रहा हूँ, और मैं खुद को जो है ना एक अच्छा ऑडिटर भी समझता था। मेरा जो पार्टनर है वो टैक्स कमिश्नर है, लोगों की टैक्स की चोरियां पकड़ता है, ठीक है जी, वो भी मतलब एक तजुर्बेकार इंसान है, ठीक है जी। दो पार्टनर्स इतना जबरदस्त सेटअप बना के बैठे हुए हैं, रिसीट की एक कॉपी जो है वो दो कॉपीज होती है ना, एक मेन कॉपी होती है, एक जो है वो फोलियो होता है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। किसी का बाप भी चोरी कर सकता है, बेहतरीन तरीका। एक आवाज आ रही है भाई मेरी? अच्छा एक सेकंड आवाज चली गई यार, वो वहां बच्चा बैठा हुआ है यार, वहां को बच्चा बैठा हुआ है। अब आ रही है बेटा आवाज? अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? अच्छा जी, अच्छा जी सर, सुनो सुनो सुनो। तो हमने ना एआरटीटी में जब फी रिसीव होती है तो एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक वो पर्ची आपको मिलती है, उस पर्ची की एक डुप्लीकेट कॉपी होती है उसके नीचे। जब भी स्टूडेंट फी भरने आता है तो एक पर्ची पे नंबर लिखा हुआ है C87, प्री नंबर्ड है, 87 के बाद 88, 89। कोई बंदा अगर फी रिसीव कर ले, पर्ची फाड़ दे, ये पॉसिबल नहीं है। अब आया हसनैन फी भरने के लिए, हसनैन ने फी भरी कहां पर? अकाउंट्स के काउंटर पे। अकाउंट्स वाले ने उसको क्या किया? अकाउंट्स वाले ने उसको क्या किया? एक रिसीट दी 87 नंबर की, ओरिजिनल रिसीट दे दी हसनैन को। हो गया हो गया हो गया, क्या चीज? नहीं नहीं वो छोड़ दो, दूसरा, ठीक है जी।
अच्छा, और जो उसकी फोटोकॉपी है, जो उसकी कॉपी होती है वो नीचे लगी हुई है। हर पर्ची के बाद जो दूसरी पर्ची आ रही है वो प्री नंबर्ड है, ठीक है, और डुप्लीकेट हमारे पास पड़ी है। एक कॉपी किसके पास है? स्टूडेंट के पास। क्या ये हो सकता है कि स्टूडेंट आके फी जमा कराया और जो फी रिसीव करने वाला है वो खा के भाग जाए? नहीं। क्यों सर? क्योंकि प्री नंबर्ड है। स्टूडेंट आएगा, फी भरेगा तो रसीद लेगा, रसीद लेगा तो दूसरी रसीद की कॉपी किताब के अंदर ही लगी हुई है, वो फाड़ नहीं सकता उसको। क्यों फाड़ेगा? तो 88 के बाद 90 आ जाएगा, 89 नहीं आएगा, पकड़ा जाएगा ना। हम बड़े सुकून में भाई, बेहतरीन काम हमने कर दिया जी, किसी का बाप नहीं हिल सकता, फी भी तो छोड़ दो यार, बेहतरीन। एक दफा हमारी वो जो किताबें ना वो खत्म हो गई, जो फी की बुक्स है ना जिसपे आप इशू करते हो वो खत्म हो गई। अच्छा, हमने क्या किया, हम गए जिससे हम छपवाते थे उसके पास, हम गए, हमने कहा जी हमने आपसे 10 बुक्स छपवाई हैं, आप 11वीं जो है ना वो हमें छाप के दे दो। उसने कहा नहीं नहीं सर, आपने 12 बुक्स छपवाई हैं, मैं आपको भी 13वीं बुक दे रहा हूँ। 12 बुक्स छपवाई है, हाउ इज दैट पॉसिबल यार? हमने 10 छपवाई है भाई। उसने कहा नहीं नहीं सर, 10 आपने शुरू में छपवाई थी, 2 उसके बाद आपका बंदा आया, उसने कहा 2 एक्स्ट्रा छाप दो। हमने कहा भाई अच्छा जी, नहीं वो हरामखोर पता करता क्या था, बैग में बुक लेकर आता था, बुक निकालता था, 4-5 पर्चियां काटी, वो पैसे घर ले गया, क्योंकि किताब उसकी तो पैसा भी उसका है, ले गया वो। ये हलाल भी है ऐसा? किताब उसकी है, किताब। जब पकड़ा वो ऐसे गया कि हम जब गए किताब छपवाने के लिए, तो अब मैंने उसको कहा यार तुमने कैसे अप्रूव कर दे, जब दो, कहता सर हमेशा आप लोग के कार्ड्स हैं, फॉर्म है, किताबें हैं, सभी वो अप्रूव करवाने आता था। हमने उसको आईडी से निकाल दिया, ठीक है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अब मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो मैं खुद अपनी कंपनी का खुद ऑडिट करता हूँ, या ऑडिटर भी आके ऑडिट करता, कद्दू कुछ नहीं कर सकता था? क्यों? जो पर्चियां हैं ही नहीं बच्चे की, वो कैसे पकड़ता उसको? तो इसका अच्छा, बहुत मुश्किल से पकड़ता, कैसे पकड़ सकता था? क्लास में आके वो बच्चे काउंट करता, फिर वो प्रैक्टिकली देखता कि भाई बच्चे शीट पे कितने डिफरेंस निकलता, तो ऐसी बात होती, लेकिन हमने तो कभी इतना सोचा ही नहीं ना। हमने तो ये सोचा कि जब हमने प्री नंबर इनवॉइस दे दी तो काम ही खत्म, किसी का बाप चोरी नहीं कर सकता। नहीं, ये हरकतें होती हैं। तो मुझे बताओ क्या एब्सोल्यूट अश्योरेंस दी जा सकती है? भाई इतने संगीन फ्रॉड होते हैं, एक कंपनी का नाम है सत्यम, इंडिया का मशहूर फ्रॉड। सत्यम का सीईओ है, उसको रात को नींद नहीं आती थी, 2 नंबरी की थी उसने, उससे आके एजीएम खत्म हुई, वो निकला बाहर, वापस आया, कहा भाई एक बात करनी है कि कंपनी की बैलेंस शीट पे जितने एसेट्स हैं 90% है ही नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट पे जो लायबिलिटी आ रही है ये टोटल लायबिलिटी का 5% है, और कंपनी की वाट लग चुकी है, ठीक है जी, ये जो आपको बैलेंस शीट और पीएनएल नजर आ रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है, असल में है ही नहीं ऐसा। उन्होंने कहा ऑडिटर, ऑर्डर कौन था उसका? पीडब्ल्यूसी ऑर्डर था उसका, पीडब्ल्यूसी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड। क्या किया? बेवकूफ बना गए, ठीक है जी, हो गया काम, ठीक है जी, हो गया काम सर, ऐसे ऐसे काम हुए पास में, फ्रॉड है। अब मिसाल के तौर पर तुम्हें छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ, हमें एक सुबह सुबह ईमेल आई हमारे बैंक को, म्यूचुअल फंड को, कि आप आइंदा के बाद जो बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं बैंक से, वो फिजिकल फॉर्म में मत मंगवाएं, ऑनलाइन ले लिया करें, ठीक है जी, ऑनलाइन चेक कर लिया करें। उस वक्त ये ऑनलाइन का दौर नया नया शुरू हुआ था कि ऑनलाइन आपको जो है ना वो सिस्टम पे ही एक्सेस मिल जाएगा। तो हमने पूछा कि यार हुआ क्या है? उन्होंने कहा भाई हुआ ये कि एक कंपनी ने पैसे जमा करवाने के लिए अपने लोगों को भेजा, पैसे जमा करवा दिए, तो अगले दिन क्या आ जाना चाहिए? स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। जो स्टेटमेंट लेकर आता था वो रोज जाली स्टेटमेंट लेकर आता था, ये 2 बंदे मिले हुए थे। तो बैंक कंपनी के लोगों को क्या लगता था? पैसे जमा हो गए, अगले दिन और पैसे दिए और जमा हो गए, अगले दिन और स्टेटमेंट ले उठा के, बाद में पता चला कि पैसे कहीं जमा नहीं हो रहे, पैसे दोनों के घरों में जमा हो रहे, ठीक है जी। तो अब देखो मीजान एक इनक्रिप्टेड स्टेटमेंट भेजता है, टेक्नोलॉजी से सर लोगों ने इस चीज को ओवरकम कर लिया, लेकिन फ्रॉड आपको ऑल्टर कुछ भी कर ले, 100% अश्योरेंस किसी का बाप भी नहीं दे सकता ऐसा। अच्छा जी, आपने सब ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अदर्स नो पावर टू सर्च, मैंने आपको एग्जांपल दी ना अभी कि मुझे एक शीट मिल भी गई तो मैं उसके बाद ये नहीं कह सकता कि मुझे ये मिल चुका है, मुझे कंप्यूटर मैं आपसे जो है वो छीन के लेके जा रहा हूँ, या हम अपने कब्जे में लेंगे और सामान कब्जे में लेने के बाद हम उसका जायजा लेंगे। नहीं सर, यह काम हम नहीं कर सकते, हम ऑडिटर हैं,
FIA की टीम नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा काम जो मैनेजमेंट देगी उस पर हम काम करेंगे। हम उनके घर में ये नहीं कि भाई सीएफओ एक फाइल है, मैं उसकी सीएफओ के लैपटॉप से मिली, नहीं दे रहा सीएफओ, लैपटॉप ही नहीं दे रहा। हम रात को आए, दीवार फलांगी, अंदर घुस गए, सीएफओ का कमरा खोला और लैपटॉप निकाल लिया, और हमने जाके चीजें चेक कर ली। अगले दिन कानून में हमने जाके कहा भाई हमारे, हमने चूंकि हमारी जिम्मेदारी है ऑडिट करने की, तो हम कहीं भी घुस सकते हैं। नहीं, आप कहीं भी नहीं घुस सकते, ठीक है जी। देखो हमने रिपोर्ट इस तरह करना होता है कि आपको पहले जो है वो उसकी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको फिर से टॉप मैनेजमेंट को बताना है, और टॉप मैनेजमेंट ही शेयर होल्डर है। हमने उनको कहा यार फ्रॉड हो रहा है, उन्होंने कहा अच्छा हो रहा होगा, तो फिर आपको विड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पब्लिक का पैसा जहाँ इन्वॉल्व होता है ना, वहां फिर आपको देख के काम करना है, वहां फिर आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको कम्युनिकेट कहाँ कहाँ करना है, ठीक है जी। अब बताएं जी, नो पावर टू सर्च, ये दोनों अगले वाले ना बड़े टेक्निकल हैं, सर दिमाग हाजिर रखना, वेरी गुड। बट एक्सेस टू ऑल डॉक्यूमेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, और मैनेजमेंट अगर आपको ना दे कोई चीज तो आप उसको कसूरवार ठहरा सकते हो, उसके अगेंस्ट जो है वो चीजें लिख सकते हो, कर सकते हो, अपनी रिपोर्ट खराब कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती कहीं घुस नहीं सकते हो। आप गए मैनेजमेंट के पास, मुझे सारे डेटर्स को लेटर भेजने, क्या आप लोगों ने वाकई इतने पैसे देने? मैनेजमेंट ने कहा सबको भेजो, ताहा को नहीं भेजना। हमने कहा हम सबको नहीं भेजेंगे, इसी को भेजेंगे। ऐसा क्यों, क्यों ना भेजें, ठीक है जी। उसने कहा नहीं बस आप नहीं भेजें, मे बी ए बोगस डेटर हो। मना कर दिया तो हम क्या करें, हम छुप के भेज दें पीछे? नहीं, जब मैनेजमेंट आपको एक प्रोसीजर करने से मना करेगी ना, मना हो जाओगे, आप अपनी रिपोर्ट पे इसका इंपैक्ट देख लोगे। अगर मैं प्रोसीजर नहीं करता तो मुझे अपनी रिपोर्ट में क्या लिखना चाहिए? आप वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, पुलिस वाले लेके घुस गए अंदर तुम, ये नहीं है भाई, ये ऑडिट है, एफआईए नहीं है, ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक मशहूर सीए के कॉलेज ने एक एसीसीए के कॉलेज वालों को फेसबुक पे फेक आईडी से बड़ा तंग किया। वो एसीसीए वालों ने ना एफआईए को शिकायत दे दी कि भाई ये जो है ना वो फेक आईडीज बनाते हैं और मसला, मतलब हमारी बदनामी करते हैं। अच्छा, एफआईए वालों ने छापा मारा, उनके कंप्यूटर वंप्यूटर सब उठा के ले गए, दो दिन कॉलेज बंद रहा, पहुंच गया आराम घोर को, भाई ये काट देना ऑडियो मैसेज रिकॉर्डियो, पहुंच गए एफआईए वालों ने चीजें निकाली, फिर माफा माफी हुई, दोनों में बैठ गए, ठीक है जी। ऐसा माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का काम है, ठीक है जी। लोग समझते हैं फेक आईडी से कोई कमेंट करेंगे हम साइड पे हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है। कुछ टाइम पहले एक बंदे ने उस पे आईडी पे हमारे अगेंस्ट बहुत बकवास की थी, तारिक साहब को उसने वो किया था कि आप धमकियां देते हैं, ये देते हैं, उसका पता नहीं क्या नाम था। हाँ वेरी गुड, अच्छा जी मैं पूरी फीस नहीं दूंगा, आप बीच में माइक बंद कर देते अच्छा चलो खैर 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 यार, वो किसी के बारे में बात करने के लिए मैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहता। अच्छा चलो, अच्छा जी सर अब बताओ सर, अगर मैं रिकॉल करूं एस्टिमेट्स टाइम एंड कॉस्ट सैंपल बेसिस ऑफ ऑडिट, फिर सर मैनेजमेंट मे और मे नॉट प्रोवाइड फुल इन्फॉर्मेशन, इंटेंशनल इंटेंशनल फ्रॉड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, ठीक है जी। ये तीन जो है ना वो आपके पास एडिशनल है, ठीक है। एक तो आपके पास पावर टू सर्च नहीं है, फिर वो कह रहा भाई जो ऑडिट एविडेंस आपको मिलता भी है ना वो कंक्लूसिव नहीं होता कि हाँ ऐसा ही है जो लिखा हुआ है, नहीं वो परसुएसिव नेचर का होता है। मिसाल देता हूँ छोटी सी, मुझे एक बात बताओ, एक बंदे से मैंने 5 लाख रुपए रिसीव करने, 5 लाख रुपए रिसीव करने, उसको मैंने एक लेटर लिखा कि भाई आपने 5 लाख रुपए कंपनी को देने, अगर आप मानते हैं तो उस पर हाँ कर दें, नहीं मानते तो उस पर लिख दें कि आप नहीं मानते। उसने जवाब दे दिया,
कि हाँ भाई मेरे 5 लाख रुपए कंपनी को देने में, ये एक एविडेंस है। क्या ये कंक्लूसिव है 100%? इसके बाद आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, मे बी ये लेटर जो है वो घूम फिर के कहीं बीच में से आया हो, क्लाइंट ने हमें भेज दिया हो, मे बी जो अल्टीमेट बंदा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो आप जो ऑडिट एविडेंस जमा करते हो ना, वो भी 100% कंक्लूसिव नहीं होता, ये याद रखना। आपने एक कंपनी में गए, आपने सारी ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर ली, बैठ गए, जो एविडेंस देखा क्या वो 100% ओरिजिनल था, जेन्युइन था? तो मेरा अंदाजा जेन्युइन था, लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता, मे बी वो भी टेम्पर्ड हो। तो सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि मोस्ट ऑडिट एविडेंस आर परसुएसिव नेचर के होते हैं, यानी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और आपको इंडिकेट भी कर रहे होते हैं कि मामला सही है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं होते 100%। ठीक है जी। तो इवन अगर हम एक कंपनी में एक ही ट्रांजेक्शन थी, वो पूरी वेरीफाई करके आगे हमने कहा इस दफा तो देंगे एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऐसी की तैसी, तो स्टैंड कहता है जनाब आपने जो एविडेंस देखा है मे भी वो क्या हो, टेम्पर्ड हो, दो नंबरी की हो उसके अंदर। तो सर आपके सारे ऑडिट एविडेंस परसुएसिव है, कंक्लूसिव नहीं है, ऐसा। अच्छा जी, फिर जी आखिरी चीज, यह है मुश्किल। देखो बाज़ औक़ात आप किसी कंपनी पे ऑडिट पे जाते हो ना, तो आपको चीजें वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, ऑडिट प्रोसीजर्स करने, क्या करने? चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है। एक बंदे से आपने 5 लाख रुपए रिसीव करने, 31 दिसंबर पे उसका बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए, चलो मुझे ऑडिट प्रोसीजर ऐसे ही बताओ तुम्हारे जहन से क्या आते हैं, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? पहला काम क्या करें, 31 दिसंबर पे इससे 5 लाख रुपए रिसीवेबल है जी, इनवॉइस देखेंगे हम, सामने इसको गुड्स कितने की बेची, इनवॉइस निकाल दे, इनवॉइस किसने बनाई है, मैनेजमेंट ने बनाई है। अच्छा एविडेंस ढूंढो, और बैंक स्टेटमेंट, मैं मैनेजमेंट की बनाई हुई इनवॉइसेस में देख लूं तो मैनेजमेंट ने ही बनाई है, ठीक है एविडेंस है, लेकिन इतना जबरदस्त क्लास का कोई एविडेंस नहीं है जी। और डेटर से कंफर्म कर लें एक बंदा कह रहा है, आप उसको एक लेटर लिखेंगे भाई आपने 5 लाख देने, और वो जवाब दे देगा आपको कि हमने 5 लाख देने, ये एक अच्छा सोर्स है सर। इसका मतलब एक प्रोसीजर तो ये हो गया, आपने मुझे बताया कि हम इनवॉइसेस देख लें, दूसरा प्रोसीजर हमने क्या किया, क्या कर लें उसको, अच्छा थोड़ा सा टाइम रुक के चेक कर लें इसमें से पैसे कितने आए। अगर एक बंदे को पैसे देने तो 31 दिसंबर को अगर उसको 5 लाख देने, तो सीधी सी बात है 2-2.5 महीने में कुछ पैसे देगा भी तो सही, हम तो ऑडिट करने बैठे हुए ना यहाँ पे, हम तो 2-3 महीने यही है, 2-3 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने तो पता चल जाएगा सबसिक्वेंटली कि इस बंदे ने कितने पैसे आपको दिए। सर इस बंदे से कुछ पैसे आ गए, सबसिक्वेंट क्लियरेंस भी देख लिया हमने, ये कितने प्रोसीजर्स हो गए, 3 हो गए। आपने सर उसकी इनवॉइसेस देख ली, नंबर 2 आपने उसको लेटर लिख दिया, नंबर 3 आपने क्या किया, सबसिक्वेंट क्लियरेंस देख ली, और कोई प्रोसीजर जहन में आता है, हो गया ना वो इनवॉइस देख लिया, सारी चीजें देख ली, और सर और कोई एविडेंस आता है जहन में, है जी क्या जी? नहीं सर, मैंने डेटर को ये कहा कि आपके लेजर में पेबल आ रहा होगा, मेरे लेजर में क्या आ रहा है, आपके लेजर में पेबल आ रहा होगा, आप एक काम करें पूरी ट्रांजेक्शन की लिस्ट हमें दे दे कि हमने आपके साथ ड्यूरिंग द पीरियड क्या क्या ट्रांजेक्शन की, हमने आपको क्या क्या चीजें बेची हैं, तो वो आपके पास परचेजेस में आ रहा होगा, वो हमारे पास किस में आ रहा होगा, सेल्स में आ रहा होगा, उससे पूरा लेजर आपको दे दिया, आपने इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन भी वेरीफाई कर ली, ये कितने प्रोसीजर्स हो गए, 4-5 प्रोसीजर्स हो गए, ऐसा। तो उसका मतलब है आपको मल्टीपल प्रोसीजर्स के बाद ये अंदाजा होता है कि बैलेंस सही है या नहीं है, एक प्रोसीजर सफिशिएंट। अच्छा कुछ जगहों पे आपको 1-2 प्रोसीजर में ये अंदाजा हो जाता है कि यार है ये सही है, ऐसी की तैसी, इसके बाद चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं। तो सर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर कहाँ लगाना है और कितने लगाने, ये भी क्या है, जजमेंटल चीज है, ऑडिट प्रोसीजर की सिलेक्शन भी क्या है, जजमेंटल है। मैं किसी जगह 4 प्रोसीजर लगा रहा हूँ, किसी जगह मैं क्या करूंगा, एक ही प्रोसीजर लगाऊंगा, कहूंगा भाई मेरा दिल मुतमईन हो गया, मुझे एविडेंस मिल गया। ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी एक जजमेंटल मैटर है, ऑडिटर ने डिसाइड करना है कि ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है। तो सर उसने क्या करना है, जो ऑडिट प्रोसीजर वो सेलेक्ट करेगा, ये क्या है सर, जजमेंटल है, ये क्या जजमेंटल है, उससे जो ऑडिट एविडेंस मिला वो कंक्लूसिव है या नहीं है, ये भी क्या है, जजमेंटल है। मे बी आपको एक जगह पे 4 प्रोसीजर लगाने थे, आपने एक ही लगा के कंक्लूड कर दिया मामला सही है, बाकी 3 लगाते तो पता चलता कि मामला सही नहीं है, हमने नहीं लगाया, हम एक ही में ठंडे हो गए, हमने कहा ठीक है बस बहुत है यार, इतना एनफ एविडेंस, कोई इशू वाली बात नहीं है।
तो इसका मतलब है सर ऑडिटर जो काम करता है, जो प्रोसीजर सेलेक्ट करता है, मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें से कुछ उठा के अप्लाई करता है, अब वो कुछ पे जो उसको रिजल्ट मिलता है उस पर वो रिलाय कर लेता है, तो मे भी वो पूरे ऑडिट प्रोसीजर्स 100% जो सारे प्रोसीजर है वो हर जगह नहीं लगाएगा, ये तो जजमेंट है उसकी, कुछ जगह पे 3 लगाएगा, कुछ जगह 4 प्रोसीजर लगाएगा, कुछ जगह 5 लगाएगा। तो मुझे बताओ प्रोसीजर्स की सिलेक्शन और उसके नतीजे में मिलने वाला जो एविडेंस है सर वो 100% रिलायबल नहीं है, जजमेंट इन्वॉल्व है सर आपके प्रोसीजर सिलेक्शन के अंदर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी जिम्मेदार वो नहीं है सर, जिम्मेदार नहीं है कि मैं उसको एक लेटर लिखूं मेरे जवाब दो, मैं भी नहीं दे। मैंने एक डायरेक्टर को लेटर भेजा, मैंने कहा भाई आपके 5 लाख रुपए रहते हैं, तो लेटर रखी है अपने पास, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा जवाब दो, उसने कहा मैं नहीं दे रहा। मैं जवाब हमने मैनेजमेंट को कहा, बड़ा बदतमीज आदमी, उसने कहा सर हमारे भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है जी, वो डीलिंग करता है, वो कागजी कार्रवाई नहीं करता, तो हमारी लिमिटेशन है, हम फिर दूसरे प्रोसीजर पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे, फिर हम क्या देखेंगे सबसीक्वेंट क्लियर हो गया पैसे। अब एक ही प्रोसीजर में मैंने क्या अंदाजा लगा लिया मामला सही है, मिसाल के तौर पर सब्सिक्वेंटली पैसे आ गया तो मेरा रिस्क कवर हो गया, मैंने बाकी का प्रोसीजर किया ही नहीं। अब मैं भी सर मामला उसे खराब हो और 2 नंबर तरीके से पैसे आ गए हो तो मैं तो रिलाय कर लूंगा ना इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये ऑडिट प्रोसीजर लगाना ये भी जजमेंटल है, कौन सा प्रोसीजर लगाना है। ठीक है जी, और फिर उसके नतीजे में मिलने वाले रिजल्ट पे रिलाय करना ये भी सर कोई 100% रिलायंस तो सर, लेकिन हमारी मजबूरी है, जजमेंटल है, हमारी मजबूरी है। मैं अगर आपके सप्लायर से मिल जाए तो सर सीधी बात है, बंदे ने कहा एक कंपनी जो है वो अपने सप्लायर के साथ मिलकर फ्रॉड करना चाहे, फ्रॉड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। एक बंदे ने अपने दूसरी कंपनी को फोन किया कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि तुमने 5 लाख देने, तुम मान लोगे तुमने 5 लाख देने, तुम्हारा लेटर आएगा साइन करके दे दो, ये फ्रॉड हो जाएगा। ऑडिटर्स में क्या कर सकता है, दूसरे प्रोसीजर यूज करके चेक कर लेगा, सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देख लेगा। ठीक है जी, और 2-3 प्रोसीजर लगा लेगा, लेकिन आफ्टर ऑल यार सारी चीजें लगाने के बावजूद अगर ऑर्डर चीज नहीं पिक कर पाया, फ्रॉड इतना कॉम्प्लेक्स है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमारी लिमिटेशन है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ सर हमने टोटल कितनी लिमिटेशंस पढ़ी, हमने पहली पढ़ी सर कौन सी, एस्टिमेट की, दूसरी सैंपल साइज, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट, चौथा मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन, पांचवा फ्रॉड, छठा पावर टू सर्च, सातवां ऑडिट एविडेंस परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, और आठवां हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन इन्वॉल्व जजमेंट। ऐसा अब मुझे बताओ सर, ये पेपर में सवाल आता है 6 नंबर का और वो पूछता है जनाब एनी 4 लिमिटेशंस आप बता दें, तो जब वो कहे 4 तो आप 5-6 बता दें, तो आई कैप का एग्जामिनर क्या पिक करेगा, फर्स्ट 4 या लास्ट 4, बेस्ट 4, आपके दिए हुए जवाबों में बेस्ट 4 आई कैप का एग्जामिनर पिक करेगा, आपको नंबर दे देगा। तो ये याद रखना, जब वो मांगे 5-4 तो आप 2 एक्स्ट्रा करके दे देना, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, ये याद रहेंगे 7-8 पक्का। आगे बढ़ जाओ, कॉपी करना तो कर लो। जी जनाब, इन केस ऑफ लॉ एंड प्रोसीडिंग्स ऑडिटर जिम्मेदार होगा जबकि उसकी लिमिटेशन थी, नहीं बेटा एक चीज याद रखो, ऑडिटर को लॉ घसीट नहीं सकता कोर्ट में कि तुमने ऑडिट किया और उसके बाद फ्रॉड निकल आया। ठीक है जी, हम कहेंगे भाई हमने फ्रॉड पकड़ने के लिए काम ही नहीं किया था, हमने तो ऑडिट करने के लिए काम किया था, उसमें फ्रॉड निकल आया, मेरी अपनी जिम्मेदारी थी काम करने की जिस हद तक मैंने कर दिया, उसके बाद भी फ्रॉड निकला सर, आई कांट हेल्प इट यार। ठीक है ना, अब मुझे एक बात बताओ, आइंदा के बाद जब किसी कंपनी में 2 नंबरी निकलेगी तो आप ऑर्डर को गालियां दोगे, नहीं सर, क्यों, इतनी लिमिटेशन के बाद आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो। सर बैडेट्स कंपनी, सर बैडेट कंपनी बू करती है, क्या एक्शन लेती है डेटर के अगेंस्ट, बू करती है, BOO बुक करती है, अच्छा सॉरी, अच्छा बैड डेट्स बुक करते डेटर के अगेंस्ट क्या वो ले सकती है, एक्शन ले सकती है, डिपेंड करता है डेटर कौन है। ठीक है जी, आप जाके पकड़ के मारे उसको, ये ऑडिट से रिलेटेड सवाल तो नहीं है। एक बंदा पैसे नहीं दे रहा उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, ये ऑडिट के पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पकड़ के जाके कूद रहे हैं उसको। ठीक है जी, पैसे ले और क्या, हाउ मेनी प्रोसीजर्स आर इनफ, हाउ वुड वी नो सर, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस, कितने सवाल करने के बाद मेरा सिंगल एंट्री का टॉपिक तैयार हो जाएगा। कुछ लोगों को 3 सवालों में सुकून आ जाता है, कुछ लोगों को 300 सवालों के बाद भी
बेयकीन ही रहती है कि नहीं यार जो पेपर वाला आएगा ना वो देखना, ठीक है जी ऐसा। तो सर ये सारा जजमेंट है सर। वो जो अभी तक कुछ मंथ्स पहले ऑडिटर का लाइसेंस कैंसल हुआ, क्यों हुआ था? फिर देखो आईकैप की एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी है जो इस तरह की चीजें देखती है, ठीक है ना, कि एक ऑडिटर के अगेंस्ट कंप्लेन आई कि भाई ये नेग्लिजेंट था। नेग्लिजेंट का मतलब क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने उसको कुछ काम करने को कहा, उसने नहीं किए। अब ऑडिटर आके कह रहा है भाई मैं तो बेकसूर हूँ, मेरे होते हुए फ्रॉड भी हो जाए तो मैं कसूर वार नहीं। हम कहेंगे तुम्हें झापड़ मारेंगे, बग्गी जो तुम्हें स्टैंडर्ड ने काम करने को कहे थे वो किए तुमने? उसने कहा वो तो मैंने नहीं किए, ठीक है जी। तो फिर आप कसूरवार, वो करने के बाद भी फ्रॉड रह जाए फिर आप कसूरवार नहीं, ठीक है जी। सर फ्रॉड इन्वॉल्व, फ्रॉड में इन्वॉल्व होती है कंपनी, फिर वो सपोज बैड डेट्स बुक करती है, हमारे पास तो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं। बेटा आगे हम सीखेंगे, प्रोसीजर सीखेंगे, 1000 प्रोसीजर सीखने, ठीक है जी। और मैं तभी तो तुम्हें ये बार बार कहता हूं कि याद रखने वाली चीज क्या है, प्रोसीजर करना गया आपने वहां जाके। आपसे एग्जामिनर 20 नंबर के सवालों में तो यही पूछेगा, बताओ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, बताओ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है जी। कुछ डायरेक्ट प्रोसीजर्स हैं, कुछ ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं, तो प्रोसीजर ही प्रोसीजर आएंगे पेपर में। अब बताओ सर अगर इनहेरेंट लिमिटेशन पे एक सवाल आ जाए कर लोगे मैनेज? सर वो मैंने सुना है कि बगैर याद के चीजें हो जाएंगी, ऑडिट की बात नहीं हो रही है। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा कह रहा है ये तो आप एग्जाम में खुद ही लिख लोगे, इनहेरेंट लिमिटेशन तो खुद ही आपको आ जाएंगे। यार अगर मुझे 8 चीजें याद नहीं होंगी ना तो मुझे शायद तुक्के में 2-3 चीजें याद आ जाए, मैं लिख लूं, बाकी चीजें मुझे दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है जी, बाकी चीजें मुझे भेजे में रखनी पड़ेगी। अभी तक जो लिखवाया वो लर्न कर लूं, बिल्कुल कर लूं बेटा। अच्छा मैं फिर एक बात बता दूं, यही चीज आपको नोट्स में मिलेगी, ठीक है ना, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं फोकस करो, लिख लो, ठीक है जी। बड़े आगे बढ़ जाए मेरे बच्चों। अच्छा जी, अब जरा आंखें खोल के एक चीज देखना दोस्त, प्लीज मेरे बच्चों, बोर्ड में अच्छा जरा सर इस डायग्राम को फोकस करना सर। सर ये सवाल आता है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट बताएं, ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए जी एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट क्या है, ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं सर, ऑडिट में सबसे पहली चीज है 3-पार्टी रिलेशनशिप, कौन सी 3 पार्टी? सबसे पहले शेयर होल्डर आया, शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया? मैनेजमेंट को अपॉइंट किया, मैनेजमेंट ने नहीं, मैनेजमेंट ने नहीं सर, शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर को भी अपॉइंट किया, ये 3 लोगों का रिलेशनशिप है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा, किसको देगी? वो ऑडिटर को देगी। ऑडिटर क्या करेगा? उसको ऑडिट करेगा। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद शेयर होल्डर्स को क्या देगा? ऑडिट रिपोर्ट देगा। इसका मतलब है ऑडिट रिलेशनशिप में, ऑडिट एंगेजमेंट में 3 पार्टी है। पहली पार्टी कौन सी है? शेयर होल्डर। दूसरी कौन सी है? मैनेजमेंट। तीसरी कौन सी है? अब जब हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उलट पढ़ेंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में फर्स्ट पार्टी कौन सी होगी? ऑडिटर होगी, ठीक है जी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटर को कहेंगे जाओ ये कर लो, जाओ वो कर लो, जाओ ये कर लो। दूसरी पार्टी कौन होगी इसमें? मैनेजमेंट होगी। जाओ मैनेजमेंट से ये ले लो, जाओ उससे ये मांगो, जाओ इससे ये मांगो, तो उससे और इससे, इससे बात होगी मैनेजमेंट से। तीसरा बताएं सर, हमारी शेयर होल्डर्स के साथ टोटल कम्युनिकेशन एक रिपोर्ट होगी, बस बस। सारा काम किसके साथ हो रहा होगा? इंफॉर्मेशन किससे मांगेंगे सर? ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए इजाजत किससे मांगेंगे? मैनेजमेंट से। हमें ले लेके कौन घूमेगा? मैनेजमेंट घूमेगा। इंक्वायरी किससे करेंगे? मैनेजमेंट से करेंगे। शेयर होल्डर से क्या करेंगे? सिर्फ रिपोर्ट पे बात करेंगे बस, और कुछ भी नहीं, डन। तो बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं 3-पार्टी रिलेशनशिप में 2 लॉजिकल जो है वो पहले कौन आया? शेयर होल्डर आया, उसने जो है वो मैनेजमेंट को अपॉइंट किया, फिर जो है वो शेयर होल्डर ने जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट किया। लेकिन जब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तुम पढ़ोगे फर्स्ट पार्टी, ठीक है जी, द पर्सन हु इज एड्रेस्ड इन द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज ऑडिटर। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट है, तीसरा शेयर होल्डर है। अच्छा अब मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, गौर से सुनना, लिखेगा नहीं कोई भी, यहां पहले सुनो। देखो ये डायग्राम ना जहन में रखना, ठीक है, ये डायग्राम जहन में रखना। ये 3-पार्टी रिलेशनशिप की समरी है। शेयर होल्डर ने अपॉइंट करना है मैनेजमेंट को, अपॉइंट करना है किसको? ऑडिटर को। ये 2 काम है शेयर होल्डर के,
ठीक है जी, मैनेजमेंट का काम क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना किसको, और ऑडिटर को, सर ऑडिटर का काम क्या है, सर ऑडिट करके रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है जी, और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। सर ऑडिट रिपोर्ट हम किसको देंगे, शेयर होल्डर को देंगे। हमारी शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेशन क्या है, दो ताल्लुक है हमारे, एक तो वो हमें अपॉइंट करेंगे, दूसरा हम उनको ऑडिट रिपोर्ट देंगे। सर हमारे मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक है, वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगा, हम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। ऐसा है, ऐसा है, बस ये डायग्राम अपने ध्यान में रखना। ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, पांच एलिमेंट्स हमने अभी पहला पढ़ा, कौन सा, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। शेयर होल्डर की जिम्मेदारियां क्या है, दो लोगों को अपॉइंट करना। मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या है, तीन काम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना, और ऑर्डर को इन्फॉर्मेशन देना। ऑर्डर की क्या जिम्मेदारी है, रीजनेबल अश्योरेंस देना और रेलेवेंट चीजें कम्युनिकेट करना एज पर लॉ, ऐसा, कभी रेगुलेटर को, कभी आईकैप को, कभी एससीसीपी को, ऐसा, इन तीनों की जिम्मेदारियां रहेंगी। शेयर होल्डर की जिम्मेदारी क्या है, शेयर होल्डर मालिक क्या है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपॉइंट करना है, बाकी जिम्मेदारियां इन दोनों की है। इसकी क्या जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, तीन काम, इसका क्या काम है, दो काम, ऐसा, ये याद रहेगा। सर कॉपी करना इसको, शाबाश। आज आपको मैं ऑडिट की किताब दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, हार्ड कॉपी में वो नीचे बुक शॉप से अवेलेबल होगी, बुक शॉप वाला गांव गया हुआ है, वो जाता है महीने में दो दफा, दो महीने में एक दफा, बीवी बच्चे वहां है बेचारे। ऑडिटर का एजीएम में क्या काम होता है, खामोश बैठता है वो, अनलेस कि उससे कुछ पूछा जाए। अच्छा, घर वालों को ना ट्रेन में जाने का बहुत शौक हो रहा था। हाँ, कहाँ तक पहुंच गए, साहिवाल, अच्छा, चलो चलो, खैर है, मैं क्लास में बात ला सकता हूँ। किसी ने उस दिन फेसबुक पे पूछा कि सीए करने के बाद लाइफ कैसे गुजरती है, तो मैंने तारीखी जवाब दिया था कि आपके घर वालों की बहुत अच्छी गुजरेगी, ठीक है ना, हाँ, आपकी नहीं गुजरने वाली, आप याद रखो, आप पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं। घर वाले आपको कहते घूमने जाना है, चलो हमारे साथ, उनको पता होता है कि तुमने छह सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तुमने जाना है घूमने हैं। अच्छा जी, ऑर्डर को एजीएम अटेंड करना लाजमी है, नहीं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ऑर्डर एजीएम अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है जी, कुछ केसेस में कंपलसरी बन जाता है। आ रही है, नहीं, पब्लिक कंपनी की मीटिंग वो अपनी जगह किसी को और को भेज सकता है, दस ऐसी चीजें कर सकता है, लेकिन जब उसको कटाया जा रहा हो तो, और वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को लिखे कि भाई मुझे कटाया जा रहा है, और तो फिर उसको लॉ कहता है कि अब आओ एजीएम में बैठो उधर और जवाब दे लूंगा, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस में उसका अटेंड करना लाजमी है। अभी हमने आगे पढ़ना है, पूरा लॉ देखना है हमने इसके अंदर, ठीक है, बड़े हम आगे, ये कर लिया कॉपी, हाँ जी, दोबारा आते हैं भाई इसके ऊपर। मुझे बताओ, पहले थ्री पार्टी रिलेशनशिप है, मुझे बताओ सर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देने, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, आईएफआरएस के हिसाब से। अच्छा, क्या दुनिया भर में आईएफआरएस अप्लाई होते हैं, नहीं सर, आईएफआरएस को आम फैम अल्फाजों में हम कहेंगे फ्रेमवर्क, क्या चीज, वो किताब जिसको देख के आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। सर यूके में क्या चलता है, उनका अपना अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहलाते हैं यूके गैप, उनके अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी, वो क्या कहलाते हैं, यूके गैप। सर यूएस के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, यूएस गैप। फिनलैंड के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिनलैंड गैप। सर इंडिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहलाते हैं आईएएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सर जिनका कोई नहीं होता उनका आईएफआरएस होता है, ठीक है जी, आईएफआरएस कॉमन बाप है, सब इसको अपना बाप मान लेते हैं, हम इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है जी। तो हमने इसको अब्बा मान लिया, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा बंदा था नहीं जो
अपनी तरफ से अकाउंटिंग की कुछ ऐसी चीजें लेकर आता जो कहता मैम नहीं मानेंगे स्टैंडर्ड को, हमारी अपनी एक थिंकिंग है। हमने कहा नहीं, इतना काम लोगों ने आईपीआरएस पकड़ लिया, हम क्यों अलग मस्जिद बनाए, हम इसी मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, हमारे फ्रेमवर्क हो गया। ठीक है जी, इंडिया में है फ्रेमवर्क में, चीना है, चेंज है थोड़ी सी। ठीक है जी, यूके में है, यूके में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस है, यूएसए में और हमारे आईपीआरएस में 42 जगह पे चेंजेस है। क्योंकि मैं यूएस गैप पढ़ चुका हूँ सीएफए में, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ इवन इन्वेंटरी की इम्पेयरमेंट एंड पीपी की इम्पेयरमेंट अलग क्राइटेरिया। अब जो नए स्टैंडर्ड बन रहे हैं वो दोनों मिला के बना रहे हैं, जैसे आईपीआरएस 15, आईपीआरएस 16, आईपीआरएस 17, ये वो स्टैंडर्ड हैं जो दोनों ने मिलके बनाए, यानी आईएफआरएस और यूएस गैप वालों ने मिलके स्टैंडर्ड सेट किए, तो दोनों जगह पे कॉमन है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की किसके हिसाब से? ऑडिटर क्या करेगा, आके रिपोर्ट देगा, लेकिन ऑडिट एविडेंस जमा करके, ऑडिट एविडेंस क्या करके, जमा करके। क्या मतलब, मैनेजमेंट ने आपको कहा भाई, मैनेजमेंट ने आपको कहा हमने सेल्स बुक की है से 15,000 रुपए की, मैनेजमेंट ने आपको कहा हमने सेल्स बुक की है 15,000 की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आपको दिए, ये सेल किसके हिसाब से बुक हुई हुई है? आईआरएस 15 के हिसाब से। अब बताओ मुझे जब ऑर्डर कोई चीज मिली तो मैंने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि आईआरएस 15 का क्राइटेरिया मीट हुआ या नहीं हुआ। अगर क्राइटेरिया मीट हुआ होगा तो कैसे वेरीफाई होगा? आईआरएस 15 कहता है सेल जब बुक करो जब वो डिस्पैच हो जाए, तो बताओ मैं ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करूं? जाओ डिस्पैच के डॉक्यूमेंट देख लो, इनवॉइस देख लो, इस तरह की चीजें देख लो। तो मुझे बताओ मैं जब ये कंक्लूड करूंगा कि मामला सही है तो मैं पहले क्या जमा करूंगा? ऑडिट एविडेंस जमा करूंगा, उसके बाद क्या दूंगा? रिपोर्ट दूंगा। तो सर हमारे पास टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं, 3 लोग हैं जिसमें से एक पार्टी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है आईएफआरएस के हिसाब से, दूसरी पार्टी ने ऑडिट एविडेंस जमा करना है और रिपोर्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बने या नहीं बने। ये रिपोर्ट किसको जाएगी? शेयर होल्डर्स को जाएगी। सर पूरा जो ऑडिट है ना इन 5 चीजों पे घूमेगा। आप ये पढ़ोगे, तीनों की जिम्मेदारियां पढ़ोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है क्या नहीं आता है ये पढ़ोगे। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, इसके लिए तुमने ऑडिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी पढ़े हुए। ऑडिट एविडेंस कैसे जमा करते हैं, आधे स्टैंडर्ड इसके ऊपर है। ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, आधे स्टैंडर्ड इसके ऊपर है। ठीक है जी, यानी ये पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की समरी है। 3 लोग हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है क्या नहीं आता, IFRS FAR2 का एरिया ये हमारा एरिया नहीं है। फिर ऑडिट एविडेंस कैसे जमा करते हैं, ठीक है जी, सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर हैं और इसके ऊपर हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो मुझे बताओ हमारा पूरा ऑडिट का जो सेटअप है उसके इसके अगेंस्ट घूमता रहेगा, इन 5 चीजों के अगेंस्ट। हर स्टैंडर्ड में ऑडिट एविडेंस कैसे जमा करते हैं, रिपोर्ट कैसे करते हैं, ऑडिट एविडेंस कैसे जमा करते हैं, रिपोर्ट कैसे करते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसको एड्रेस होते हैं, किसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने एड्रेस किया है? तुम किसको? ऑडिटर को। तो ऑडिटर ने जमा करना है ऑडिट एविडेंस, और ऑडिटर ने क्या करना है, रिपोर्ट करनी है। लॉ ने मैनेजमेंट को कहा कि तुमने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, किसके हिसाब से? तो इसका मतलब है मेरे सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इफेक्टिवली इन 2 चीजों को ही फोकस करेंगे, ऐसा इन 2 चीजों को ही फोकस करेंगे। लॉ ने मुझे क्या चीजें बताई है, 3 पार्टी रिलेशनशिप बताया और ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बनेंगे, ऐसा। अब सर दिमाग में ये चीज रखिएगा कि मैंने आपको मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बता दी, क्या जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, 3। ठीक है जी, वही मैंने आपको बताया कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, इंटरनल कंट्रोल लगाना है, ऑर्डर को सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारी है, 2 लोगों को अपॉइंट करना है मैनेजमेंट को। शेयर होल्डर मालिक है, उसके हकूक की बात होगी, फराइज की नहीं, फराइज मुलाजिमों के होते हैं, मालिक के क्या होंगे, हकूक होते हैं, ऐसा। देखो जब वो कहता है कि मैं डायरेक्टर हूं ना, तो फिर डायरेक्टर की कैपेसिटी में उसकी जिम्मेदारी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की। जब वो कहेगा मैं शेयर होल्डर हूं, तो फिर हम उसको शेयर होल्डर के एस्पेक्ट से देखेंगे। एक कंपनी है, उसके 2 ही शेयर होल्डर हैं, वो दोनों डायरेक्टर भी हैं, वो मैनेजमेंट भी है, मियां बीवी है उनकी कंपनी ऐसी है, मियां बीवी कंपनी है सर, 2 लोगों ने मिलकर हॉस्पिटल बनाया, वो 2 लोग ही उसमें बैठते हैं, बाकी छोटे मोटे एम्प्लॉय रखे हुए पर्चियां काटने के लिए, कंपनी स्ट्रक्चर में बनाया हॉस्पिटल। ठीक है जी, बच्चों का डॉक्टर है, बड़ा मशहूर डॉक्टर है यार, अपने घर पे बच्चे देखता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मियां बीवी एक बच्चों के डॉक्टर है, एक जैनी मतलब उसकी वो है दिमाग की डॉक्टर है। अभी रिसेंटली यार उसके शौहर को जो है ना वो सितारा इम्तियाज भी मिला है, नाम याद नहीं आ रहा। 2 लोगों ने मिलकर बनाया, वो डायरेक्टर भी है
वो शेयर होल्डर भी है, लेकिन जब हम शेयर होल्डर की बात उनको एज अ शेयर होल्डर देखेंगे तो हम एज अ शेयर होल्डर उनके हकूक की बात करेंगे, ठीक है जी, उनकी जिम्मेदारियों की बात करेंगे। जब हम मैनेजमेंट के तौर पर देखेंगे उनको, मैनेजमेंट के तौर पर बात करेंगे, मैनेजमेंट के फरायज हैं, मालिक के हकूक हैं, ठीक है जी। मैं भी शायद नहीं भाई, यार इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया ही है, मैं भी शायद को मिलता है सितारा इम्तियाज। मैं एक कॉमिक स्कूल में एक लेडी को देख रहा है, वो 25 साल से पढ़ा रही है और उनके हाथों से पता नहीं कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होकर निकले होंगे, कितने जो है ना वो डॉक्टर्स उनके पास से, या कितने जो है वो इंजीनियर्स उनके पास से, कोई कॉमिक्स में पढ़ाती है, पता नहीं कॉमिक्स है या कौन सा वो है, मतलब MBA निकले होंगे, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकले होंगे। 25 साल से वो लेडी वहां पढ़ा रही है। मैं तकरीबन 2-3 साल पहले एक प्रेजेंटेशन देने वहां गया तो एक लेडी थी, बिल्कुल सादा लिबास में, चप्पल उन्होंने पहने हुए थे दुपट्टी, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैं बेटा यहाँ 25 साल से पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा पढ़ा रही है यहाँ आप एडमिन देखती हूँ? उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं टीचर हूँ यहाँ। मुझे यकीन करो, मुझे लगा ये लोग हैं उस्ताद, हम तो पैसा कमाते हैं यार, ये हैं जेन्युइन उस्ताद, सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए उसको, सितारा इम्तियाज मिल रहा है मैं भी शायद को, क्यों? क्या नाम है उनका? साजिदा इकबाल, अच्छा मुझे नाम नहीं था पता बेटा। अच्छा जी सुनना जरा दोस्त, किस चीज के लिए मिला सरदार इम्तियाज? लक्स के एड में आती है इसलिए उनको सरदार इम्तियाज मिला, लोगों को लग रहा है लक्स की सेल्स उनकी वजह से बढ़ी है, हैं? अच्छा जी, अच्छा जी यहाँ देख लो साजिद न्यूरो सर्जन, अच्छा जी पॉलिटिशियन, चलो जी आगे बढ़ो यार, ये अल्लाह का शुक्र है कमेंट यहाँ नजर नहीं आते, नहीं तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा यार, अल्लाह के वास्ते यार थोड़ा ख्याल रखा करो, ये रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है जी। सर मैंने आपको शेयर होल्डर की जिम्मेदारियां बताई थी, मैंने आपको कहा इसके नीचे वाला हिस्सा हम छोड़ रहे हैं, पहली जिम्मेदारी क्या थी? सर इसकी ऑडिटर की जिम्मेदारियां मैंने बताई थी, पहली जिम्मेदारी रीजनेबल अश्योरेंस देना है, दूसरा मैंने आपको कहा ऑडिटर को बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें उनको बतानी है, तीन लोग हैं जिनको चीजें बतानी है, अभी अच्छे तरीके से सुनना, यहाँ है गेम बड़ा सा, ठीक है। तीन लोगों को ऑडिटर ने कम्युनिकेट करना है, ये जिम्मेदारी है ऑडिटर की, तीन लोगों से कम्युनिकेट करना है, तीन लोगों से क्या बातें करनी है? पहला बंदा डायरेक्टर्स, दोस चार्ज विद गवर्नेंस, स्टैंडर्ड कहता है भैया एज एन ऑडिटर आपको इनको चार चीजें बतानी है, क्या बतानी है? सबसे पहले जैसे ही आप ऑडिट शुरू करो आप जाओ इनके पास, आप इनको बोलो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कैसे बताएगा ऑडिटर? जाके डायरेक्टर के ऑफिस में बैठेगा और खड़ा होकर कहेगा मैं आज बताना चाहता हूं कि कंपनी में जो होता है वैसे नहीं होता? नहीं, क्या करेगा वो? करेगा क्या वो? एक लेटर के थ्रू, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो कहलाता है, पहला लेटर, पहला कम्युनिकेशन क्लाइंट और हमारे बीच में जो होगा, एक लेटर लिखेगा, ठीक है जी, उस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखेगा मेरी जिम्मेदारी ऑडिट करने की है, तुम्हारी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, क्लियरली कम्युनिकेट कर, मेरी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की नहीं है। डायरेक्टर ने कहा ठीक है, फेयर इनफ। नंबर टू, आपने उनको बताना है कि स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, स्कोप का मतलब आप ऑडिट के दौरान क्या क्या करोगे और टाइमिंग का मतलब कब कब करोगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपने एक ऑडिट शुरू किया बगैर कम्युनिकेशन किए, ऑडिट खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं, आप गए मैनेजमेंट के पास, आपने कहा भाई हमने आपके सारे डेटर्स को लेटर भेजने और जब तक उनका जवाब नहीं आएगा हम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा यार बड़े बगैरत आदमी हो, 2 दिन रह गए ऑडिट खत्म होने में, तुम आप याद आ रही है? मैंने कहा भैया हम ऐसे ही हैं, सरप्राइज हैं? नहीं सरप्राइज नहीं सर, आपको उनको क्या करना पड़ेगा? आपको उनको बताना पड़ेगा, लेकिन आगे आप स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप उनको हर एक चीज नहीं बताते हो, एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखते हो। आप अगर उनको डे वन पे बता दोगे कि आप क्या क्या करोगे तो वो अकॉर्डिंगली तैयारी कर लेंगे और विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग का मतलब गुमराह कर सकते हैं आप, ठीक है जी, गलत चीज दिखा के आपको भगा सकते हैं, ठीक है जी। वो वजीर आला सिंध दौरा कर रहा है अस्पताल का, 5 साल से एक ही मरीज वहां लेटा हुआ है, तो आपने क्या करना जनाब? दूसरी चीज, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, मैं क्या क्या प्रोसीजर करूंगा ऑडिट में टू अ लार्जर एक्सटेंट बता देता हूं और क्या बता देता हूं साथ में, जैसे कि
भाई मैं आपके सारे वेयर हाउसेस का जाके स्टॉक काउंट करूंगा, चेक करूंगा उधर क्या क्या स्टॉक पड़ा है, मैं आपकी सारी मशीनरी जाके फिजिकली देख के आऊंगा, मैं आपके एचआर हेड से मिलूंगा, उनसे जो है वो सैलरी से रिलेटेड बात करूंगा, ठीक है जी, मैं आपके मार्केटिंग के बंदों से मिलूंगा और उनसे देखूंगा कि डिस्काउंट किस तरह देते हैं वो लोगों, ठीक है जी। तो मैं जो काम करना है वो उनको बताऊंगा। पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा। PCWG क्या है, दोस चार्ज विद गवर्नेंस डायरेक्टर्स। दूसरा काम स्कोप एंड टाइमिंग, ठीक है जी, स्कोप एंड टाइमिंग का मतलब मैं क्या क्या करूंगा और कब कब करूंगा। तीसरी चीज ए मैनेजमेंट, मैं तुमसे इंडिपेंडेंट हूं, ये बताने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें लॉ ये कहता है कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, तो मैं उसको बताऊंगा मैं तुमसे क्या हूं, ना मेरी तुम पे कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, ना मेरी तुम्हारी दोस्ती यारी है, ना मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूं। अभी इस पर हमने एक पूरा चार्ट पढ़ना है, ना मेरी तुम पे कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस है सिवाय इसके कि तुम मुझे फी देते हो, ना मेरी तुम्हारी कोई दोस्ती यारी है, ना मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूं। अब सुनो 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 सुनो, ये तीनों बातें आप उसको कब बता रहे हो, ऑडिट इवन स्टार्ट करने से भी पहले, ऑडिट इवन स्टार्ट करने से भी पहले क्या तीन बातें बतानी हमने उसको, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदार नहीं हूं, नंबर टू मैं ये काम करूंगा इस वक्त करूंगा, नंबर थ्री मैं तुमसे इंडिपेंडेंट हूं, ये जान लो आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, मेरी तुम पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, ना तुम मुझ पे ना मैं तुम पे डिपेंडेंट हूं, ठीक है जी। दरमियान में जो काम होगा ऑडिट होगा पूरी ईमानदारी के साथ होगा, किसी जगह पे हम दबेंगे नहीं, किसी जगह पे हम आपको अननेसेसरी दबाएंगे भी नहीं, ठीक है जी। जो काम होगा इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिवली। आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा, ठीक है जी, मैं ये मिटा रहा हूं ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है। अब आओ मुझे बताओ यहाँ ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं। सर सब जगह आपने क्रॉस लगाया था, इसका मतलब है नहीं है। चलो जी मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो कम्युनिकेट कब करेंगे हम। जैसी ऑडिट खत्म होगा हम कहेंगे दादा आपको रिपोर्ट दे दी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं। नहीं, आपको कब बताना है, स्टार्ट में बता देना भाई मैं नहीं हूं इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। अब मुझे बताओ सर, अगर ऑडिटर के पास कंपनी के शेयर्स मौजूद है कैसे इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या तुम्हारे पास किसी कंपनी के शेयर दो तुम उसमें लॉसेस आना अलाउ करोगे, तुम्हारी क्या दुआ होगी, अल्लाह हमेशा प्रॉफिट है, हमेशा प्रॉफिट है, मंड मंड के प्रॉफिट है, इसकी वैल्यू ऊपर जाए। अब बताओ सर, अगर आपको कोई नजर आया कि उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, आप नहीं शेयर नहीं बेचोगे, आप उसको बताओगे यार ऐसे नहीं ऐसे कर ले, छुप जाएगा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं सर। तो जब आपका आपका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट से लिंक्ड है तो फिर आप तो कभी भी कंपनी के प्रॉफिट को नीचे, तो क्या आप इंडिपेंडेंट हो, नो। ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमें लॉ ने बताया, हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी, हैं? हाँ हम बताएंगे, हम लॉ पढ़ेंगे अभी कि अगर किसी के पास शेयर है वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है तो स्टैंडर्ड उसको कहता है, लॉ उसको कहता है कि 90 डेज के अंदर उसको डिस्पोज कर दो, ठीक है जी। ये भी हम डिस्कस करेंगे, वो फर्दर अक्वायर नहीं कर सकता, डिस्पोज कर सकता है, ठीक है जी, एक्विजिशन के बाद फर्दर खरीद नहीं सकता, ये पूरा लॉ में हमने आगे देखना। जी मेरे बच्चे, क्या जी, हाँ उसी वक्त डिस्क्लोज करेंगे, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो नहीं नहीं उसको एंगेज नहीं करेंगे ना, ऑडिटर बनाएंगे ही नहीं, मैनेजमेंट जो है वो उसको एंगेज नहीं करेगी ऑडिट के। अगर वो सर मिसाल के तौर पर शेयर होल्डर है तो हमें लॉ बताता है कि भाई उसको फिर शेयर बेचने पड़ेंगे, 90 दिन का हम उसको टाइम देंगे उसको शेयर, उसके बाद क्या करने, बेचने, ठीक है जी। तो सर ये क्या है जनाब, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या, फाइनेंशियल, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट है ऐसा। अब बताएं सर, हमने अपने क्लाइंट से लिया लोन, मैं कंपनी का ऑडिट पे जाता था, 2-3 दफा ऑडिट पे गया उसकी उस कंपनी के, मेरी बेटी की शादी थी, कंपनी ने मुझे 2 मिलियन रुपए का लोन दे दिया, हमने जो है ना वो बिरयानी और जर्दा खिला दिया लोगों को। अब जब हम ऑडिट पे जा रहे हैं तो CEO बार बार मुझसे पूछता है कि आपकी बेटी ठीक है, ठीक है, घर में फर्नीचर वर्नीचर सब सेट है ना उसका, मैं कहता हूँ जी सेट है, तो हमारे कितने पैसे आपके निकलते हैं, सर 2 मिलियन निकलते हैं, तो मुझे बताओ मैं कभी इंडिपेंडेंट रह के काम कर सकूंगा, नहीं सर। तो सर जब आपने ऑडिट क्लाइंट से लोन लिया हुआ है तो हमें तब लॉ बताता है कि हमने उसका क्या करना है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट
नहीं है, तो उसका मतलब है हमारा डिपेंडेंस किस नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर का है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बात हमें कब बतानी है सर, उसको कब देगी, इसकी मॉनिटरिंग कब करनी है हमने, ऑडिट के बिल्कुल स्टार्ट पे। ऐसा तीसरी चीज, ऑडिटर एंड वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर पार्टनर इन अ बिजनेस। चार पांच लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, मैं उसको ऑडिट करने गया, उन चार पांच लोगों में हसनैन बाजवा भी है, हसनैन बाजवा और मेरा जो है ना वो एक मुर्गियों का बिजनेस भी चलता है। अब मैं आया ऑडिट करने के लिए, गलती निकल आई, मैंने कहा हसनैन तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने हुए, कंपनी दो नंबरी कर रही है। हसनैन ने कहा सर अगर आपने इस कंपनी की रिपोर्ट में कोई उंगली की तो मेरा और आपका जो बिजनेस है वो खत्म, वो खत्म। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। उसने कहा जी सर। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर फर्म का कोई बिजनेस रिलेशनशिप है या फर्म के किसी पार्टनर का कोई बिजनेस रिलेशनशिप है क्लाइंट पे बैठे हुए बंदे के साथ, तो हम कभी भी उस बंदे को यहां नुकसान नहीं देंगे ताकि वो हमें वहां नुकसान ना दे। तो मुझे एक बात बताएं, ये हमारा किस नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर का भी है, कोई इसको पर्सनल नेचर का भी कह सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं। स्पाउस ऑफ द ऑडिटर इज द डायरेक्टर एट द कंपनी। आप जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, ठीक है जी, और सुनना, आपकी बेगम उस कंपनी की डायरेक्टर है, आप गलती निकाल दो लो, आप फटा कर दो लो, आप इतनी औकात है आपकी, तो याद रखना सर ये अब किस नेचर का हो गया, पर्सनल नेचर, ठीक है जी। हमारी एक कंपनी में एक अकाउंट्स मैनेजर था, उसका जो है वो एचआर की हेड के साथ हिसाब किताब हो गया, उससे शादी कर ली उससे, ठीक है, शादी कर ली मैंने आगे, ठीक है, शादी कर ली, और अब छोटा मुलाजिम था वो, मतलब क्लर्क था वो, टाइपिंग वाइपिंग करता था, एचआर की हेड से उसकी शादी हो गई। अब हर दफा उसको डबल प्रमोशन मिल रहे हैं, बोनस मिल रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्यों, पर्सनल रिलेशनशिप है भाई। अब आप सोचो आपकी बेगम जो है वो कंपनी में डायरेक्टर है, आप घर में जो है वो उससे दब के रहते हो, तो वहां आप जाके क्या करोगे सर, हैं, यानी बिजनेस और पर्सनल दोनों कवर होते हैं बिल्कुल। तो सर सीधी सी बात है, मैं कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा। सुने आप कभी क्लाइंट पे जाते हो ना, ये वो पांचवा पॉइंट वो है जो वॉयलेट होता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। आप गए ऑडिट करने के लिए, क्लाइंट ने आपको कहा कि भाई हमने आपके लिए ना एक गिफ्ट तैयार किया, आपको क्लाइंट ने एक बॉक्स दिया, आपने खोला, आईफोन 13 निकला, आपने कहा यार थैंक यू वेरी मच, क्लाइंट ने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है सर, ऐसे गिफ्ट हम अपने ऑर्डर को देते रहते हैं, ठीक है जी, बाकी वो थोड़ा हमारी सेल्स में इशू आता है कभी कभी, ऑर्डर भी हमारा ख्याल रखते रहता है, ठीक है जी। तो ये याद रखना सर, आप क्लाइंट से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकते, अगर आप गिफ्ट क्लाइंट आपको ऑफर कर रहा है आपकी इंडिपेंडेंस इंपेयर हो जाएगी, और अगर आपने पास्ट में क्लाइंट से ऐसे गिफ्ट लिए तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, नहीं हो आप इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। सर मैं एक बैंक पे गया, बैंक वालों ने कहा चलें आज अच्छा हो गया हम खाना जाके चांदनी पे खाएं, चांदनी देखा, वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल का 7th फ्लोर है, देखा पाकिस्तानी खाना मिलता है उधर, ठीक है जी, तो हम आपको चांदनी पे लेके चलते हैं वहां खाना खिलाते हैं। हमने कहा चलो यार हम भी तो देखें चांदनी क्या है। तो अब मुझे एक बात बता, हम जा रहे हैं सुकून से, क्या हमारी इंडिपेंडेंस इंपेयर होगी, हाँ भाई इंपेयर होगी, सीधी बात है सर। तो क्लाइंट से ऐसे गिफ्ट्स लेना अलाउड नहीं। हाँ मैं क्लाइंट पे गया, उन्होंने मुझे कैलेंडर पकड़ा दिया, कहा ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, हमने खोला, हमने कहा यार रखो इसको अपने पास, मेरे मोबाइल में इससे अच्छा कैलेंडर है। तो मुझे बताओ जो छोटे छोटे मामूली गिफ्ट हैं वो कवर नहीं होते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर कोई बड़ा गिफ्ट आपको क्लाइंट ने दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जब तक कि आप उसको वापस नहीं कर देते। तो सर अगर हमारे पास में कोई गिफ्ट मिला हुआ है तो हम क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे, सिर्फ इमटीरियल गिफ्ट्स अलाउड हैं। इमटीरियल में स्टेशनरी, कैलेंडर, ठीक है जी, इस तरह की चीजें आती है, छोटे मोटे कप, ठीक है, चमचे, ये आते हैं बस, ठीक है जी, बाकी चमचे कौन देता है। ऑडिटर्स ने दी थी, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो एम के, ठीक है जी, मैं बता देता हूँ, बड़ी गिफ्ट लेना अलाउड नहीं, ठीक है, ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट आपको दे दिए किसी ने, ठीक है ना, एक छोटा मोटा आईफोन गिफ्ट कर दिया, छोटा मतलब कद के हिसाब से छोटा नहीं है, आपने कहा भाई आप मुझे लाखों रुपए ना दें, एक सोने का बिस्किट दे दें, छोटा गिफ्ट लेना अलाउड है, नहीं। अच्छा जी तो मैं तो डिनर ज्यादा कैलेंडर प्रेफर करूंगा,
gets mentioned, gifts mentioned है ना इसमें, obvious gifts क्या है भाई। अच्छा चलो फिर मुझे एक बात बताओ, मैं सर HBL के ऑडिट पे गया, सॉरी UBL के ऑडिट पे गया, मतलब मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, UBL के ऑडिट पे गया एक साल, अगले साल भी गया, दोस्ती यारी हो गई, तीसरे साल गया पक्की दोस्ती हो गई, चौथे साल जब गया ना उससे मुझे बोला यार मैं जा रहा हूँ फला फला कंपनी, मेरे साथ आ जाओ मैं तुम्हें वहाँ जॉब दे दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जिस हाथ से रोटी मिलती है कुत्ता कभी उसको नहीं काटता, ऐसा है ना, हमने कहा मालिक आप जहाँ जा रहे हैं हमें भी ले जाइए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो गई है क्लाइंट पे, दोस्ती यारी हो गई है, हम अभी क्लाइंट पे जाएंगे टेबल टेनिस शुरू हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि तीन तीन चार चार दफा जाते हैं, इसलिए हमारे हमारे जो है वो एक इम्प्लाइड लिमिट है कि तीन साल से ज्यादा आप किसी ऑडिट पे एक बंदे को नहीं भेज सकते, बंदे चेंज करते रहो, जाओ ऑडिट आप रखो लेकिन बंदे क्या करते रहो, चेंज करते रहो, क्योंकि वहां क्या हो जाती है, एक एसोसिएशन बन जाती है, दोस्ती यारी बन जाती है, फैमिलीज एक दूसरे के साथ घूम फिर रही होती है। तो यार ये याद रखना, ऐसे केस में आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते, ये किस नेचर की सर डिपेंडेंस इंपेयर हो रही है पर्सनल, ऐसा। अब सर मुझे एक बात बताएं, हमारे एक, एक एक टीम मेंबर है वो अच्छा ये सारे केसेस पास पेपर्स के सवालों से लिए गए हैं, ठीक है जी, मेंबर है वो ऑडिट टीम का मेंबर है, वो डायरेक्टर की बेटी के साथ एंगेज है। अब गए हम वहां, टीम मेंबर गया, टीम मेंबर ने बड़ा फ्रॉड पकड़ लिया जिसमें ससुर जी इन्वॉल्व है। अब मुझे एक बात बताओ, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ या बाप एक तरफ, अब मुझे एक बात बताओ उसकी क्या इंडिपेंडेंस होगी, हैं? हाँ जी, एंगेज, एंगेज्ड का मतलब होता है बेटा एंगेजमेंट वाला एंगेज, यहां देख लो वो कह रहे एंगेज किस चीज में एंगेज, बंदो। हाँ जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, तो अगर सर ऐसा मामला है तो सर हमारा पर्सनल लेवल पे हमको क्या है जनाब, हमारा पर्सनल लेवल पे इंडिपेंडेंस पेड है। अच्छा जी, फिर हम एक क्लाइंट पे गए, क्लाइंट ने कहा हम अकाउंट्स नहीं बना सकते, हमें आता ही नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमने कहा कोई मसला नहीं बाबू, हम आपके अकाउंट्स बनाए देंगे, फिर हम उसका खुद ऑडिट भी कर देंगे, हैं, हम अकाउंट्स भी बनाएंगे, फिर हम कहेंगे सब सही है, हमने ही बनाया, गलती कैसे हो सकती है, हैं? तो मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ तो मैं क्लाइंट का क्या बन चुका हूँ, एम्प्लॉय भी बन गया, एम्प्लॉय बन गया मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, फिर मैं इंडिपेंडेंट हो गया, ऑडिटर बन गया, नहीं सर ये कैसे हो सकता है, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो सर नो, और किस नेचर का ये आप बताओ सर। जी जी, फी के अगेंस्ट भी करोगे, देखो पहली चीज हमने ऑडिटिंग में क्या पढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी, खुद मुझे एक बात बताओ, तुमने एक सालन बनाया, तुमसे पूछा जाए इसका टेस्ट कैसे, तो तुमने क्या कहना, आहा मजा आ गया जी, है किसी दूसरे को बताओगे तो वो जज करेगा ना, तो अपनी बनाई हुई चीज में कभी इंसान को मसला नजर नहीं आता। तो मुझे बताओ, मैंने आपको ऑडिटर की पहली कम्युनिकेशन बताई, उसमें तीन चीजें बताई, चौथी नहीं बताई है, या हमारी क्लास का टाइम खत्म होता जा रहा है, या है अभी टाइम है हमारे पास, कितना टाइम है, 2:45 तक है बस, चलो उसको यहीं तक रखते हैं, कल हम इसको और मजीद आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।